Good morning, everyone. I hope everyone is doing fine. Give me a thumbs up if you can hear my voice. We are going to start our session within next 2 minutes. In the meanwhile, more and more people will join us. Give me a thumbs up if my voice is clear to you. Give me a thumbs up if my voice is clear to you. We'll start our session in a short while. Aapka content ready hone mein, within 2 minutes, your content will be ready and you'll be able to enjoy the session fully. It'll take hardly 1 minute. In the meanwhile, more and more people will join us. आज हम द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का एक साथ हम कवरेज करने जा रहे हैं और ये तैयारी आपके लिए है ताकि एक खूबसूरत सा कंटेंट आपके सामने आए. यहाँ पे पैलेस्टीनी फोर्सेस जो हैं वो पैलेस्टीनी सिटीजंस दे आर फाइटिंग विद इजरायली फोर्सेस. सो कवर करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू कवर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज. सो ये सारा आपके लिए है. इट इज़ ऑलमोस्ट डन. Israel, Palestine, Gaza Strip. So let's start with today's session. आज का session हमारा ready हो चुका है. एक और minute लगेंगे हमें करने में. ताइवान से related है आज. Okay, done, almost. क्योंकि अगर ये content ready नहीं होगा तो I will not be satisfied. So ये आपका आ गया ताइवान से related matter है. We will talk about Taiwan today. So here it is. Give me a second. Yes. ये आ गया आपका ASEAN Association of Southeast Asian Nation. तो आप अपना नोट पैड पेपर लेके बिल्कुल रेडी हो जाइएगा. वी विल स्टार्ट दिस सेशन. ओके. यस इट इज़ डन. यस इट इज़ ऑलमोस्ट डन. आई एम डन. So guys, good morning. Welcome to An Academy. Welcome to my show, Daily News and Analysis. ये combined session होने जा रहा है आपका An Academy का YouTube channel का. Okay? So we are all set. Sorry for the inconvenience caused, guys. आज थोड़ा सा आप 4 मिनट लेट से चल रहे हैं because I was just trying my level best to prepare everything in the best possible manner. आपको पता है कि content पे कितना ध्यान देता हूँ. So get set ready. ये मेरा YouTube लिंक है. अगर आप An Academy में लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं सो सी दिस लिंक. एंड टुडेज डेली न्यूज़ एंड एनालिसिस द हिंदू प्लस इंडियन एक्सप्रेस का कंबाइंड सेशन है. 18th May 9:04 हो रहे हैं. ये आपका एजुकेटर है. बिल्कुल बदरंग बैरंग लिफाफे जैसा थैंक्स टू कोरोना लॉकडाउन. अब कुछ दिनों में भीष्म पितामह दिखने लगूंगा अगर यही चलता रहा तो. बट अगेन लेट्स होप फॉर द बेस्ट. दिस इज अगेन मी. आई एम अ ग्रेजुएट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, मास्टर्स इन पब्लिक पॉलिसी. TESOL certified trainer, worked as a communication coach. I love combat sports and kindly rate, review and recommend my courses. Now, in case if you have not subscribed, agar aapne An Academy ko subscribe nahi kiya hai, so you can go for An Academy subscription kyunki kuch dinon mein ho sakta hai ki responsibilities change ho and I may move into An Academy plus courses, to hamara aapka saath chhoot sakta hai. और इसीलिए रिक्वेस्ट करूंगा An Academy सब्सक्रिप्शन को सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया है तो. इन केस अगर कोई डाउट हो तो यू कैन गेट बैक टू मी एंड यू विल गेट अ 10% डिस्काउंट ऑन ऑल An Academy प्लस कोर्सेज. सो दिस इज द राइट टाइम क्योंकि लॉकडाउन फिर से एक्सटेंड हो चुका है एंड आई एम श्योर यू वुड नॉट एक्सेप्ट कि आपकी स्टडी किसी तरीके से डिसरप्ट हो. सो इन केस अगर आपके अभी भी कोई डाउट्स हो तो आप उनसे पूछ सकते हैं एंड आई विल डेफिनेटली आंसर दोज क्वेश्चंस रिलेटेड टू An Academy सब्सक्रिप्शन. एक आपके लिए कोट है, वन मैन विल with conviction overwhelm 100 who have only opinions. एक इंसान जो है वो conviction के साथ अगर हो तो 1000 लोगों पर, सैकड़ों लोगों पर जिनका सिर्फ opinion है उस पर भारी पड़ सकता है. And this statement is trustworthy क्योंकि ये जो gentleman आपको दिख रहे हैं he was British Prime Minister Winston Churchill. ये जो आपको बुजुर्ग से आदमी दिख रहे हैं इनको अंडरस्टिमेट मत कीजिएगा. ही इज कंसिडर्ड एज अ ग्रेट पर्सनैलिटी, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पॉलिटिशियन, वन ऑफ द रिनाउंड पॉलिटिशियंस ऑफ द वर्ल्ड. हाँ, हालांकि इनका कॉन्टेम्प्ट बहुत होता था इंडिया के बारे में. इनके ओपिनियन जो थे बिल्कुल अलग ही थे, नेगेटिव ही थे. ही डिडंट अप्रिशिएटेड इंडिया ऑन मेनी ओकेशंस. सो अ मैन विद कन्विक्शन विल ओवरवेलम 100 हु हैव ओनली ओपिनियंस. सो अगर आपके पास कन्विक्शन है तो आप बहुत से ओपिनियन वाले लोगों को पीछे ढकेल देंगे. ओपिनियन किसी का भी हो सकता है बट वॉट मैटर्स द मोस्ट इज कन्विक्शन एंड एग्जीक्यूशन.
ओपिनियन होना बड़ी बात नहीं है, आपके विचार बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन अगर उसका एग्जीक्यूशन नहीं है, और एग्जीक्यूशन तभी पॉसिबल होगा जब आप में कन्विक्शन है, दृढ़ इच्छा शक्ति है कि मेरे को करना है. सो वन मैन विद कन्विक्शन विल ओवरवेल्म 100 हु हैव ओनली ओपिनियंस. सो आज सेशन शुरू होता है एंड स्टॉप विशफुल थिंकिंग, लेट्स गो गेट इनटू एक्शन. एंड ही इज कुंग फू पांडा, माय लकी मैस्कॉट. सो लेट्स स्टार्ट. सो अगर ये कुंग फू पांडा कर सकता है तो हर कोई कर सकता है, इवन यू कैन डू दैट. नाउ लेट्स लुक एट सम ऑफ द इमेजेस. ये आपके इमेज हैं. अगर आपसे कोई पूछा जाए कि ट्रेजेडी का रूप रंग कैसा होता है, तो ट्रेजेडी लुक्स लाइक दिस. ये इनका नाम राम कुमार है, और अभी ये फोटो जो है बहुत ही चर्चा में बना हुआ है, बिकॉज हिज नेम इज़ राम कुमार. इनकी स्टोरी मैं बताता हूँ. ये पिक्चर जो है निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन का है. ये इंसान राम कुमार पंडित बेगूसराय के रहने वाले हैं, और इन्होंने बहुत कोशिश की ट्रेन से अपने घर वापस लौटने की, या बसेस का जो अरेंजमेंट हुआ था, लेकिन वो नहीं जा पाए. और थक हार के ये इंसान किनारे बैठ के रोना शुरू कर देता है. इनका एक बेटा बीमार होता है, और बड़ी दिली ख्वाहिश होती है इनकी, बड़ी तीव्र इच्छा होती है कि अपने बेटे को देख ले वो, और इसी बीच उनका बेटा मर जाता है. ये जा नहीं पाते. पुलिस वालों से जब गुहार करते हैं तो पुलिस वाला कहता है कि बेटा तुम्हारे जाने से जिंदा तो नहीं हो जाएगा. बाद में वहाँ पे खड़ी एक महिला ने इनका रिजर्वेशन कराया स्पेशल ट्रेन से, 5,500 रुपये लगाए, और उनको कुछ पैसे दिए और खाने का सामान दिया. सो ये पिक्चर जो है राम कुमार का है, राम पुकार पंडित का है, और बहुत वायरल हुआ पड़ा है. सो दिस इज़ हाउ द ट्रेजेडी लुक्स लाइक. आपके पास एक एक मौका है इस इमेज को देख के, अगर आप कुछ लिखना चाहें तो डेफिनेटली आपके इमोशंस को में उबाल लाने के लिए इमेज बहुत काफ़ी है. दूसरी इमेज है जो हमारी, ये इमेज है एक बच्चा जो आगरा मुंबई रोड से ट्रक से जा रहा होता है अपने घर, माइग्रेंट लेबरर्स का एक हिस्सा होता है. इस बच्चे की तबीयत बहुत ख़राब होती है, डिहाइड्रेट हो जाता है, टेम्परेचर इसका 105 डिग्री पहुँच जाता है. ये इसका दोस्त है और बहुत कोशिश करता है कि प्लीज़ ट्रक को रोक दीजिए, इसको पानी की ज़रूरत है, लेकिन ट्रक वाले इन दोनों को उतार देते हैं, और बाद में इस लड़के का डेथ हो जाता है हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद भी. सो दीज आर द सम हॉरिफिक इंसिडेंसेस कमिंग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री. ये पिक्चर इमेज लेने का मेन पर आप बोलना चाहेंगे कि सर इस इमेज को लेने की क्या ज़रूरत थी. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस इमेज को लेने की ज़रूरत इसलिए थी बिकॉज इफ़ यू वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ सिविल सर्विसेज, इफ़ यू वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत बड़ी हैं. यू विल बी एन एडमिनिस्ट्रेटर, और एक साथ आपको बहुत से काम निपटाने पड़ेंगे. हैव अ ह्यूमन हार्ट, हैव अ कंपैशनेट हार्ट, डोंट बिकम सिविल सर्वेंट, क्योंकि आपको लाल बत्ती की गाड़ी मिलेगी, और आप बहुत, आपके पास सिक्योरिटी फोर्सेज होंगी और आपके नेटवर्क होंगे. डोंट बी दैट. ये पर्पज़ नहीं होना चाहिए सिविल सर्वेंट बनने का. सिविल सर्वेंट बनने का तो पर्पज़ ये होना चाहिए कि आप लोगों की सेवा कर सके, आप उन तक पहुँच सके जिनको आपकी ज़रूरत है. सो हैव अ ह्यूमन हार्ट. अगर आपको कुछ लगे तो आप इस पर कुछ 100 words में लिख सकते हैं, जो भी आपके दिमाग में आता हो रैंडमली वो लिख के मुझे भेज सकते हैं, एंड देन डेफिनेटली आई वुड अप्रिशिएट दैट. सो चलते हैं आगे का सेशन देखते हैं. लॉकडाउन एक्सटेंडेड. आगे का जो सेशन है वो आपका पेज नंबर 1 पे, लॉकडाउन एक्सटेंडेड, स्टेट्स विल टेक अ कॉल ऑन इन्फेक्शन जोन्स. सो फिर से मुबारक हो, लॉकडाउन एक्सटेंड होने जा रहा है, हो चुका है, और आपको बहुत ही अलर्ट रहने की जरूरत है. चौथा जो न्यूज़ आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, पंजाब फार्मर्स टू गो फॉर डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस. ये आपके एग्रीकल्चरल पर्सपेक्टिव से, आपके इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है. उसके अलावा स्टबल बर्निंग का जो इशू है उससे भी आपको इससे निजात मिल जाएगा अगर हम डायरेक्ट सीडिंग ऑफ प्लांटेशन को करेंगे. सो दिस आर्टिकल इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से, फूड सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से. उसके बाद से 6वां 7वां जो आर्टिकल आता है वो है, वेयर इज हेल्थ इन द स्टिमुलस पैकेज. Everybody is talking about stimulus package, essential commodities act, but कोई भी health के बारे में बात करने के लिए तैयार नहीं है. So the idea is we should talk about health in the health. और ये editorial बहुत अच्छे से लिखा हुआ है. Now essential commodities act में जो amendments हुए हैं उनके बारे में यहाँ बात की गई है कि किस तरीके से essential commodities act का amendment बहुत important है, but at the same time इसमें बहुत ज़्यादा ढील देने की ज़रूरत नहीं है, ये इस article में बताया गया है. The next article is coming from commercial sex work may spike cases, researcher feel red light areas should remain closed even after lockdown. यहाँ पे ये बताया जा रहा है commercial sexual hub है, सोनागाछी की बात करें वेस्ट बंगाल में, या मुंबई के रेड लाइट एरियाज की बात करें, तो ये बताते हैं कि commercial sexual work may spike cases, इसमें कोई डाउट नहीं है. बट यहाँ पे मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि what about the fundamental right of these sexual workers? Are they not a part of India? Are they not citizens? और मैंने हमेशा से बोला है कि एवरी सेंट हैज़ अ पास्ट एंड एवरी सिनर हैज़ अ फ्यूचर. हर किसी का पास्ट है, हर किसी का फ्यूचर है. शुड दे बी डिस्क्रिमिनेटेड बिकॉज ऑफ द प्रोफेशन दे हैव चूज़न?
क्या इनके लिए क्या प्रोविजंस हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जेंडर के बेसिस पे इनको सेग्रीगेट करता है। हम यहाँ कोशिश करेंगे फंडामेंटल राइट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, फंडामेंटल ड्यूटीज और प्रीएम्बल से इन सारी चीज़ों को काट के निकालने के लिए, देखने के लिए कि कहाँ पे उन सारे आर्टिकल्स का हम यूज कर सकते हैं इन जस्टिफिकेशन ऑफ नॉट फॉर कमर्शियल सेक्स बट फॉर इनसेक्सुअल वर्कर्स का क्या होगा, व्हाट विल हैपन, क्या सेक्सुअल कमर्शियल सेक्स वर्क के नाम पे शुड वी वायलेट देयर फंडामेंटल राइट, डोंट दे हैव द राइट टू सर्वाइव, डोंट दे हैव द राइट टू डिग्निटी, डोंट दे हैव द राइट टू ईट हेल्दी फूड, डोंट दे हैव द राइट टू बी इन अ गुड एनवायरमेंट। सो ये एक तरफा आर्टिकल है, मैं आपको इसमें आपको ओपिनियन बैलेंसिंग करने के लिए कह रहा हूँ, दिस इज वॉट आई वॉन्ट यू टू डू। आगे चलते हैं, फिर हम साइक्लोन यू नो उड़ीसा साइक्लोन आम्फन के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा आर्टिकल है, इट्स अ गुड टू नो इन्फॉर्मेशन। आगे हम उसके बाद से इसराइल के बारे में पढ़ेंगे, पेज 14 फॉरेन, जहाँ की इसराइल प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू जो है फिर से पावर में आ रहे हैं, बहुत ही अग्रेसिव लीडर हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के, बहुत फास्ट फ्रेंड है बिकॉज बोथ ऑफ देम हैज सेम टेम्परामेंट। बट यहाँ पे हम ढेर सारी मैपिंग करेंगे, वी विल गो थ्रू अ लॉट ऑफ मैपिंग और जो आपको बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर कराएगा। उसके बाद से हम आगे चलने वाले हैं गिलगित बल्तिस्तान एरिया में, क्योंकि पाक प्रेसिडेंट ने अभी ऑर्डर इश्यू किए हैं टू होल्ड पोल्स इन गिलगित बल्तिस्तान एरिया और इंडिया ने अपना रजिस्ट्रेशन, इंडिया ने अपना रोष जताया है इस बात के लिए। अभी डामर पाशा जैम यू नो डैम जो है उसको भी लेके बहुत मुद्दे हुए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट दिस आर्टिकल टूवर्ड्स स्वराज, ये एक बहुत लंबा चौड़ा आर्टिकल लिखा गया है, इंडियन एक्सप्रेस का हिस्सा है। एंड देन वी विल टॉक अबाउट ताइवान रिलेटेड इशू, अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो चेयर मीटिंग होने वाली है उसमें ताइवान के बाहर। एंड देन वी विल टॉक अबाउट हाउ कोविड इज एम्पलीफाइंग जेंडर इनइक्वालिटी इन इंडिया। सो हमने जो सेक्स वर्कर्स वाली बात करी है उसके अलावा हम इसको जेंडर इनइक्वालिटी को जोड़ के देखेंगे और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के उन सारे पार्ट्स और आर्टिकल्स की बात में बात करेंगे यू नो जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जेंडर इनइक्वालिटी के बारे में बात करता है। आगे चलते हैं, फिर हम यहाँ पे तो इस तरीके से हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। सो मैं आपको लेके चलता हूँ, पहले न्यूज़ वन बाय वन लेके चलेंगे, इस इमेज को देखिएगा एंड मैं इंतज़ार करूँगा कि आप 200 वर्ड्स में कुछ लिख के भेजें मुझे एंड आई विल अप्रिशिएट दैट, आई विल डेफिनेटली इवेलुएट दैट ऑन माई चैनल। ये आपका दूसरा इमेज है, पेज वन, लॉकडाउन एक्सटेंडेड, स्टेट विल टेक अ कॉल ऑन इन्फेक्शन जोन्स, गवर्नमेंट इजेस इंटर स्टेट ट्रैवल बट कर्व्स ऑन मॉल्स रिलीजियस गैदरिंग एक्सेट्रा। सो आप अपने दो साथियों की शादी में अगर जाना चाहते हो तो वो प्लान कैंसिल कर दीजिएगा। इंटर स्टेट एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रैवल कर सकते हैं आप, बट कोई शॉपिंग मॉल्स में नहीं जा सकते, कोई रिलीजियस गैदरिंग में नहीं जा सकते, बहुत लार्ज गैदरिंग में नहीं जा सकते। सो हैव अ लुक एट द पिक्चर नाउ, व्हाट इज अलाउड इन दिस फोर्थ स्टेज ऑफ लॉकडाउन जो 31 मई तक इंक्रीज हो चुका है। बसेस ऑटो रिक्शाज, लेट मी टेक अनदर मार्केट, बसेस ऑटो रिक्शाज एंड कैब्स, ऑल शॉप्स खुले होंगे एक्सेप्ट मॉल्स एंड कंटेनमेंट जोन में, जो मॉल होंगे वो ओपन नहीं होंगे। वेडिंग 50 लोगों से ज़्यादा गेस्ट नहीं आने चाहिए और अगर किसी की का मैयत, किसी का जनाजा, किसी का डेथ हो गया है तो उसमें 20 से ज़्यादा लोगों को जाने का अलाउड नहीं है। बार्बर शॉप्स और जो सैलून्स हैं वो ओपन होंगे, थैंक गॉड अब मैं जाऊँगा आर्मी कट बाल कटाने के लिए, नहीं तो ऐसा लग रहा था कि भीष्म पितामह हो जाऊँगा आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते। सो भगवान ने मेरी पुकार सुन ली, गोइंग फॉर द सैलून, गोइंग फॉर अ हेयर कट, सो कल आपका एजुकेटर स्मार्ट दिखने वाला है। रेस्टोरेंट ओनली फॉर टेक अवे, तो आप अगर मैकडोनल्ड्स जाते हैं डोमिनोज से ऑर्डर कर सकते हैं और करना भी चाहिए क्योंकि गुड फूड इज़ गुड इम्पॉर्टेंट, थोड़ा सा इन्जॉयमेंट ज़रूरी है, घर का खाना खा के बोर हो गए होंगे आप। कैप ऑन 33% स्ट्रेंथ इन ऑफिस रिमूव्ड, वर्क फ्रॉम होम टू बी एनकरेज, सोशल डिस्टेंसिंग एंड स्टैंडर्ड वर्कआउट्स टू बी फॉलोड। 30% जो कैप दिया गया था कि 30% से ज़्यादा मैन पावर आपको ऑफिस में नहीं होना चाहिए, तो वो जो है वो ख़त्म हो गया है। अब इससे ज़्यादा लोग जो है वर्क फोर्स है, आप अपने ऑफिसेज जा सकेंगे, बट वर्क फ्रॉम होम को प्रमोट किया जा रहा है। एट द सेम टाइम स्टैगर्ड शिफ्टिंग, मतलब अगर एक फैक्ट्री में 100 लोगों को काम करना है तो 100 लोगों को एक साथ बुलाने के बजाय 25-25 लोगों को 4 शिफ्ट में अलग अलग टाइम में बुलाया जाए ताकि उनका एक साथ कम्युनिकेशन न हो, एक साथ कोलिजन न हो और इन्फेक्शन और कंटामिनेशन के चांसेस बहुत कम हो। इंटर स्टेट मूवमेंट बाई व्हीकल बी डिसाइडेड बाई स्टेट म्यूचुअली, तो स्टेट अपने आप में डिसाइड करेंगे कि इंटर स्टेट मूवमेंट हम बसेस को कैसे चलाएं। डिलीवरी ऑफ एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल आइटम्स अलाउड थ्रू ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म, सो ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म से, अभी किसी बच्चे ने ग्रुप में पूछा था कि लक्ष्मीकांत का 6th एडिशन मुझे लेना चाहिए या नहीं, प्लीज़ गो हैड एंड ऑर्डर फ्रॉम फ्लिपकार्ट या अमेजोन से ऑर्डर कीजिए लक्ष्मीकांत का 6th एडिशन।
बहुत अच्छी बुक है. नाउ व्हाट इज नॉट अलाउड, मेट्रो एयर एंड रेल सर्विसेज अलाउड नहीं है एक्सेप्ट दोज अलाउड विद स्पेशल परमिट्स. स्कूल कॉलेजेस एंड मॉल अलाउड नहीं है. आप घर पे बैठिए पढ़ाई कीजिए. अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए. मेरा यूजर रेफरल कोड यूज़ कीजिए क्योंकि आपके एजुकेटर का इवैल्यूएशन उससे होता है कि हाउ इन्फ्लुएंशियल इज इट. सो प्लीज़ यूज़ माय रेफरल कोड एंड गो फॉर सब्सक्रिप्शन. रिलीजियस और पॉलिटिकल गैदरिंग नहीं होनी है. नाइट कर्फ्यू फॉर नॉन एसेंशियल सर्विसेज रिमेन इन फोर्स फ्रॉम 7 PM टू 7 AM. नाइट कर्फ्यू है नॉन एसेंशियल सर्विसेज के लिए, जो आपके लिए मूलभूत नहीं है, जो आपके इंपॉर्टेंट नहीं है. अब आप सोचेंगे कि शाम को खाना खाने के बाद थोड़ा सा 5 किलोमीटर टहल के आ जाते हैं, 2-3 किलोमीटर टहल के आते हैं, तो नो नॉट एट ऑल, यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट. Vulnerable groups like those above 65 years of age, pregnant women and children below 10 to remain at home. आपको घर रहने की सलाह दी जाती है. If there is a pregnant woman at our home, छोटे बच्चे हैं और बुजुर्ग हैं, उनकी देखभाल कीजिए, घर में रखिए, बाहर निकलने से मना कीजिए, उनका ख्याल रखिए. Wearing mask properly compulsory in public places and work places बहुत important है. तो मैंने 2 मास्क खरीद लिए हैं and this is here. मैं सोच रहा था कि वो मास्क पहन के ना आपको पढ़ाना शुरू करूं, बट मेरी आवाज़ आप तक पहुंचेगी नहीं, इसलिए मैंने वो मास्क जो है नहीं किया. स्टेट कैन डिसाइड द डिलिनिएशन जोन्स और इनटू रेड, ग्रीन और ऑरेंज एंड कंटेनमेंट जोन. अब स्टेट जो है वो डिसाइड करने वाला है इन कंटेनमेंट जोन को, रेड, ग्रीन, ऑरेंज एंड कंटेनमेंट जोन. मतलब रिस्क कितना है किस एरिया में, इन सारी चीज़ों को देखते हुए स्टेट गवर्नमेंट्स डिसाइड करेंगी कि किस एरिया में हमें मूवमेंट अलाउ करना है, किस एरिया में हमें मूवमेंट अलाउ नहीं करना है. सो दिस इज हाउ द थिंग्स विल गो. सो ये जो आपका इन्फॉर्मेटिक्स था, इन्फोग्राफिक था, इससे इन्फॉर्मेशन, सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ चुकी है. अब इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. हाँ, एक चीज़ ये देखना है कि इन सारी चीज़ों में डिसीजन मेकिंग से पहले सबसे पहले क्या करना है कि कौन सी अथॉरिटीज़ हैं जो पिक्चर में आएंगी. फॉर एग्जांपल, द डिसीजन टू एक्सटेंड द लॉकडाउन वाज टेकन आफ्टर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी. तो आप वेबसाइट पे जाके नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है उसके बारे में पढ़ना शुरू कर दीजिए. नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी डायरेक्टेड द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स टू कंटिन्यू द लॉकडाउन मेजर्स टू कंटेन द स्प्रेड ऑफ नोवल कोरोना वायरस. और अभी हमारे यहाँ जो इन्फेक्शन है, कंटामिनेशन है, दैट इज गोइंग रेगुलरली विदाउट एनी कंट्रोल. नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है, जो कि यूनियन होम मिनिस्टर जिसको अजय भल्ला जी डायरेक्ट करते हैं, दे हैव डायरेक्टेड टू मॉडिफाई द लॉकडाउन गाइडलाइंस कीपिंग इन व्यू द नीड टू रीस्टार्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज. गाइस, हमें एक्सट्रीम में नहीं जाना है. वी आर गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, वी आर एडमिनिस्ट्रेटर, वी के नॉट अफोर्ड टू बी बायस्ड. हम बायस्ड हो ही नहीं सकते. हमें बैलेंस्ड होना है इमोशनली, फिजिकली, हर तरीके से. तो आपको याद रखना है, एक तरफ माइग्रेंट की प्रॉब्लम है, बट एट द सेम टाइम वी हैव टू टेक केयर ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, राइट? इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमें ध्यान देना है. और इंडियन इकोनॉमी के हर उस सेक्टर को इवैल्यूएट करके देखना शुरू कीजिए, क्योंकि ये आपके पास बेहतरीन मौका है चीज़ों को समझने का प्रैक्टिकल ग्राउंड पे. आपके पास न भूत हो, न भविष्यति, न ऐसा पहले होगा, भगवान न करे ऐसा हो, और न पास्ट में ऐसा हुआ है. ये वो मौका है जब आपके सामने सारी चीज़ों को अलग अलग पैरामीटर्स पे रख के समझने की ज़रूरत है. जैसे अब यहाँ पे इस कंडीशन में हमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को भी देखना है, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है अगर स्टार्ट नहीं होंगी तो इंडियन इकोनॉमी विल कोलैप्स लाइक अदर इकोनॉमीज. US जैसी कंट्रीज़ लड़खड़ा गई हैं इस कोविड पैंडेमिक के चक्कर में. सो वॉट अबाउट इंडिया? सो ये वो मौका है जब आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या हम सर्विस सेक्टर को प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है, क्या सर्विस सेक्टर को स्ट्रेंथन कर सकते हैं. एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे वी के नॉट प्रमोट दैट मच ऑफ कम्युनिकेशन. एग्रीकल्चर सेक्टर का जो काम है वहाँ लोगों के आपस में मिलने जुलने का है, ठीक है. बहुत से किसान अगर एक जगह इकट्ठे हो जाएं और इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने का मतलब यह है कि देयर इज़ अ रिस्क एसोसिएटेड विद इट. व्हाट वी कैन डू, कैन वी टेक केयर ऑफ, क्या हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, MSME सेक्टर को देख सकते हैं, क्या हम सर्विस सेक्टर को प्रमोट कर सकते हैं, क्या हम ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अपनी एक्टिविटीज़ को सुचारू रूप से चला के इंडियन इकोनॉमी को सपोर्ट कर सकते हैं. तो ये आपका इनोवेटिव आइडिया होगा, ठीक है. आप इनोवेटिव आइडिया को देखिए और देखिए कि किस तरीके से डिजिटल टेक्नोलॉजी को, उन टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा सकता है जिससे इस पैंडेमिक में हमें शायद इकोनॉमी को सपोर्ट करने का मौका मिले. फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है जहाँ ज़्यादा मैकेनिकल काम होता है, ठीक. उसके बाद से आपका सर्विस सेक्टर है जहाँ पे आप अभी भी अपनी इकोनॉमी को सपोर्ट कर सकते हैं. सो प्लीज़ फाइंड आउट इंडियन इकोनॉमी के कौन कौन से सेक्टर्स हैं, उनमें कितना लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है, वो इंडियन इकोनॉमी को कितना सपोर्ट करता है, मतलब GDP का कितना परसेंट वो कंट्रीब्यूट करता है. तो ये आपको बहुत अच्छा मौका देगा, इट विल गिव यू अ कंप्लीट इनसाइट, ठीक है.
आगे चलते हैं। वेल, और ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो वही है जो मैंने इन्फोग्राफिक में पढ़ा है। तो हमेशा याद रखिए, कभी भी इन्फोग्राफिक को देख के इसको इग्नोर मत कीजिए। इस इन्फोग्राफिक को आप इजीली अपने व्हाट्सएप में या स्नैपशॉट ले सकते हैं और इसी के थ्रू रिवीजन कर सकते हैं। हालांकि ये यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप एक जागरूक देश के जागरूक नागरिक हैं तो ये इन्फॉर्मेशन इट्स अ गुड टू नो इन्फॉर्मेशन और आपको डे टू डे की चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन देगा। आगे चलते हैं दूसरे इन्फॉर्मेशन में। द सेकेंड आर्टिकल, सेंट्रल थ्रोज ओपन ऑल सेक्टर्स टू प्राइवेट प्लेयर्स, मनरेगा गेट्स 40,000 करोड़ इन फाइनेंस मिनिस्टर्स फिफ्थ ट्रांच। अब देखते हैं क्या क्या इनमें मिला है। फाइनल डोज, ये फाइनल डोज था, पांचवा डोज था 20,000 करोड़ का स्टिमुलस पैकेज आत्मनिर्भर भारत स्कीम के अंतर्गत जो गवर्नमेंट लेके आई थी। द फिफ्थ ट्रांच ऑफ इकोनॉमिक पैकेज अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान वॉज अनाउंस्ड ऑन संडे। हेल्थ के बारे में कहते हैं, पब्लिक स्पेंडिंग टू बी इंक्रीज एंड मोर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स टू कम अप। इन्फेक्शियस डिजीज हॉस्पिटल्स एंड पब्लिक हेल्थ लैब्स बी सेटअप इन ऑल डिस्ट्रिक्ट। डिसइन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, पब्लिक सेक्टर फॉर्म इन नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स टू बी प्राइवेटाइज, मतलब वो उन सेक्टर्स में जो आपके पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का मतलब होता है जो सरकार की कंपनी है, जो सरकार के कल कारखाने हैं, जैसे महारत्ना की बात की थी हमने, नवरत्ना कंपनीज की बात की थी, ये वो कंपनी है जिसको हम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बोलते हैं, जिसके लिए आप गेट और पीएसयू का एग्ज़ाम देते हैं और उसमें शामिल होते हैं। सो उन फैक्ट्रीज़ को, उन कंपनीज़ को शट डाउन किया जाएगा। या डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब यह है कि गवर्नमेंट का अगर उसमें 100% शेयर है तो प्राइवेट कंपनीज़ को बुला के अपने 50% शेयर उनको दे देंगे ताकि वो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप हो सके और गवर्नमेंट वो पैसा लेके कहीं और इन्वेस्ट कर देगा। नो मोर देन 4 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स टू रिमेन इन स्ट्रेटेजिक सेक्टर टू बी नोटिफाइड। मतलब सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट की मैक्सिमम 4 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं वो क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स का हिस्सा बनेंगे, जैसे ऑयल एंड नेचुरल गैस हो सकता है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड हो सकता है, कोल इंडिया लिमिटेड उसका पार्ट हो सकता है स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स का। तो कल के चैप्टर में मैंने 10 महारत्ना और 14 नवरत्ना कंपनियों के बारे में आपको डिटेल दिया है, प्लीज़ उसको पढ़ लीजिएगा। आई एम श्योर यू विल फील प्राउड अबाउट योर एजुकेटर कि आपके एजुकेटर ने कितना अच्छा कॉन्टेंट आपको बनाया है। आगे चलते हैं स्टेट्स के बारे में। बोरोइंग सीलिंग रेज टू फ्रॉम 6.41 लाख करोड़ टू 610 लाख करोड़। ओनली अ क्वार्टर ऑफ दिस हाइक इज अंडर कंडीशनल। अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में देखें तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम को लगभग 40,000 करोड़ दिए हैं, ठीक है। उसके अलावा इंडस्ट्री में फ्रेश इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग सस्पेंड फॉर अ ईयर, मतलब अब कोई भी अगर फैक्ट्री अच्छी कंडीशन में नहीं चल रही है तो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग मतलब उसको लिक्विडेट करने की कोशिश नहीं की जाएगी, एक साल का टाइम दिया गया है, ठीक है। COVID-19 रिलेटेड डेट नॉट टू ट्रिगर डिफॉल्ट, फॉर्म्स कैन लिस्ट अब्रॉड एक्टिविटीज। COVID-19 से रिलेटेड जो डेट नॉट टू ट्रिगर डिफॉल्ट, मतलब बहुत सी कंपनी जो है अपने पेमेंट अगर नहीं कर पाती, अपने पेमेंट पर डिफॉल्ट होती है, सो कोई प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं होगा। इस तरीके से इकोनॉमी को सपोर्ट करने की कोशिश की गई है। फिर से चलते हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको हाईलाइट करना चाहूँगा। The center has agreed to demands of state to hike their borrowing limit 3-5% of their GDP in light of COVID-19 crisis. Center-state relations, इसमें center-state relations आप पढ़ेंगे, center-state relations पढ़ेंगे लक्ष्मीकांत में आप, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सारे प्रोविजन को पढ़ेंगे। सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, और आप कोरिलेशन बनाने की कोशिश करेंगे कि फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर क्यों दी गई है स्टेट्स के मुकाबले, और कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से, विश्व के कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर का कॉन्सेप्ट लिया गया है, फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, फेडरेशन विद ए स्ट्रॉन्ग सेंटर कौन से यू नो कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है और क्यों लिया गया है, इस बारे में आप मुझे बताएंगे। पवन इनामदार थोड़ा सा रुक जाइए, बफर जोन, वी आर येट टू कम ऑन दैट टॉपिक। गाइस, फेडरेशन विद ए स्ट्रॉन्ग सेंटर किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, और बस आप ये बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, मुझे लिख के भेजिए, और सेंटर स्टेट रिलेशंस आपको लक्ष्मीकांत से पढ़ना होगा। फिफ्थ एंड फाइनल ट्रांच ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान स्टिमुलस पैकेज है, ये स्टिमुलस पैकेज होता है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है,
आपको डिहाइड्रेशन हो गया, आपको ग्लूकोज चढ़ा दिया गया, दैट इज स्टिमुलस पैकेज, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। रिफॉर्म जो होता है वो लॉन्गर टर्म के लिए होता है, जैसे पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं उसमें जो स्कीम बनाई जाती हैं तो वो लॉन्गर टर्म के लिए होते हैं। तो आपको अगर इसको यूज़ करना है तो आप ये कर सकते हैं, सर एग्रीकल्चर सेक्टर के प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए हमें स्टिमुलस के बजाय रिफॉर्म की ज़रूरत है, हमें एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म की ज़रूरत है, स्टिमुलस की ज़रूरत नहीं है। स्टिमुलस ठीक है पैंडेमिक के दौरान में ये ज़रूरी है, बट वी शुड लुक एट रिफॉर्म, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है अगर हम वाकई में चाहते हैं कि इंडिया के माइग्रेंट लेबर पॉपुलेशन को हम सपोर्ट कर पाएँ, उनको स्किल्ड कर पाएँ, और एग्रीकल्चर सेक्टर से उनको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर हम भेजना चाहते हैं तो हमें एग्रीकल्चर सेक्टर में स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म की, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की ज़रूरत है बजाय स्टिमुलस के। एडिशनल 40,000 करोड़ का एलोकेशन दिया गया है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, तो आपको फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइवलीहुड। उसके अलावा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में दोनों में महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम को लगा के आप देखेंगे, इंटीग्रेट करके देखेंगे। उसके बाद से प्रधानमंत्री जन औषधि, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जितने भी स्कीम गवर्नमेंट के लॉन्च हुए हैं उन सबको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के लक्ष्मीकांत वाले पन्ने में ले जाके लिख दीजिएगा, ठीक है। सरकार ने जितना भी वादा किया है उसको इवैल्यूएट करके देखेंगे डीपीएसपी के डिफरेंट आर्टिकल से, तो आपको ये समझ में आएगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व नॉन जस्टिसिएबल हो सकते हैं लेकिन उनका इम्पोर्टेंस किसी भी मामले में कम नहीं किया जा सकता, कम नहीं समझा जा सकता है। और महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम को आप फंडामेंटल राइट, प्रीएम्बल और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के आर्टिकल के साथ अटैच करके देखेंगे कि कौन सा आर्टिकल है जो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, मोरल लेसन देता है कि आपको लोगों के रोजगार का ख्याल रखना पड़ेगा। न्यू पॉलिसी वेलकमिंग प्राइवेट कंपनीज इनटू एवरी सेक्टर ऑफ द इंडस्ट्री, हर सेक्टर में प्राइवेट पार्टिसिपेशन को बढ़ावा दिया गया है जो बहुत से लोग अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। एट द सेम टाइम लिमिटिंग पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज टू स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स ओनली, स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में ही सिर्फ गवर्नमेंट की कंपनीज काम करेंगी, सच एज इलेक्ट्रिसिटी, सच एज कोल इंडिया लिमिटेड, सच एज ऑयल एंड नेचुरल गैस सर्विसेज लिमिटेड, ऑल इंडिया लिमिटेड, ठीक है। तो ये सारी कंपनी जो है ONGC विदेश, ये सारी कंपनी जो है गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजिक इंटरप्राइज हैं, स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं और फाउंडेशन हैं। लेकिन इसका 8 कोर इंडस्ट्रीज से जोड़ के आपको नहीं देखना है, 8 कोर इंडस्ट्रीज ऐसे ही रहेंगी, वो कोर इंडस्ट्रीज हैं, लेकिन गवर्नमेंट की जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं वो स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में ही रहेंगी। तो आप कभी भी गलती से आप दोनों चीज़ों को मिक्स मत करिए, कोर इंडस्ट्रीज हैं, 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं और उनका वेटेज उतना ही रहेगा, लेकिन स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स कौन कौन से हैं ये आप आइडेंटिफाई करेंगे। कॉर्पोरेट इंटरप्राइज में ऑल्सो ऑफर्ड सम रिलीफ वेयर चांसेस ऑफ इनसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, अगर कोई कंपनी अपने पेमेंट पे डिफॉल्ट हो रही है, जैसे यस बैंक की बात कर सकते हैं, तो उनके खिलाफ हो सकता है इनसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड को रिलीज किया जाए। इसका मतलब क्या है? इट इज कैनेडा फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, हमने कैनेडा से लिया है, और वो कैनेडा से फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर लेने का मेन पर्पज ये था क्योंकि अगर एक कंट्री जो इतनी डाइवर्स है, इतने कल्चरल लिंग्विस्टिक बैरियर्स हैं, इतने लोगों में यू नो चेंजेस हैं, उन सारी चीज़ों से निपटने के लिए अगर आपका सेंटर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो देश में विवाद हो जाएगा, देश में चीज़ों को कंट्रोल नहीं किया जाएगा, एथनिक क्लेंजिंग हो सकता है, वायलेंस हो सकता है जो कि अभी भी होता है। सो इसीलिए फेडरेशन को ज़्यादा पावर दिए गए, अगर फेडरेशन को इतना पावर नहीं दिया जाता तो एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 नहीं होता और इंटरनेट के सर्विसेज चालू करने के लिए जम्मू कश्मीर को सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल नहीं करना पड़ता। ये मैं सार्काज्म यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि कई बार पढ़ाने के तरीके में सार्काज्म, कभी हंसी मजाक, कभी टॉन्ट, कभी कमेंट्स, ये सारे आपको पढ़ाने के तरीके हैं। सो नो डिसरेस्पेक्ट टू आवर कंट्री, बट एट द सेम टाइम हमें इवेल्युएट तो करना पड़ेगा। सो वी हैव गिवन फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर फ्रॉम कैनेडा, सेंट्रल गवर्नमेंट को डेलिबरेटली ज़्यादा पावर दी गई है क्योंकि हमारी एक डाइवर्सिफाइड कंट्री है, वी आर यूनिट इन डाइवर्सिटी, कहने के लिए हम कह सकते हैं, अच्छा लगता है सुनने में, बट हम बटे हुए हैं कास्ट, क्रीड, कलर, जेंडर, हर बेसिस पे बटे हुए हैं। तो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए सेंटर को अधिक पावर दी गई है। आपके पैरामिलिट्री फोर्सेस हुए, आपके गवर्नर का अपॉइंटमेंट हुआ, आपके ऑल इंडिया सर्विसेज के जो ऑफिसर्स हैं, ये सब सेंटर के हाथ की वो ताकत है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कमांड इस्टेब्लिश करती हैं स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर, ठीक है। अब ये यहाँ पे फिर से लेट मी बैक टू द पवेलियन, जो कंपनीज अपने पेमेंट पे डिफॉल्ट कर रही हैं उनको संभलने का मौका दिया जाएगा एंड इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड को अभी एप्लीकेबल नहीं किया जाएगा। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी का मतलब क्या है?
आपके पास एक 100 लोगों की कंपनी है और 100 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन आपके पास देने के लिए सैलरी नहीं है। आपने 50 करोड़ का लोन लिया था अपनी फैक्ट्री को एस्टैब्लिश करने के लिए, लेकिन आप उस कंपनी उस बैंक का लोन नहीं दे पा रहे हैं। सो इसको बैंकरप्सी बोलते हैं। बैंकरप्सी इन द सेंस कि आपके पास आपके जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन हैं उनको मीट करने के लिए आपके पास पैसे नहीं हैं। आपने जो कमिटमेंट करी है कि ये इंस्टॉलमेंट इतना जाना है, उन सारे कमिटमेंट्स को पूरा करने के लिए यू डू नॉट हैव बैकअप, एंड इसी को बैंकरप्सी बोलते हैं, इंसॉल्वेंसी बोलते हैं। तो उस कंडीशन में कंट्री क्या करती है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के तहत एक ग्रुप बनाया जाता है जो फाइनेंशियल स्पेशलिस्ट का होता है। वो उस कंपनी के असेट्स को इवैल्यूएट करते हैं, उनको मौका देते हैं कि सर क्या आप चीज़ें अरेंज कर पाएंगे, क्या इसे मुथूट से आप गोल्ड ले सकते हैं, चाची नानी दादी किसी से आप मदद ले सकते हैं, तो हम आपको मौका देते हैं। दे गिव यू टाइम, 6 महीने का टाइम देते हैं। अदरवाइज व्हाट दे कैन डू, दे कैन लिक्विडेट योर असेट्स। जैसे किंगफिशर एयरलाइंस का हुआ, जेट एयरवेज का हुआ, उनके सारे असेट्स को लिक्विडेट कर दिया गया, मतलब बेच दिया गया, दूसरे बोरोवर्स को दे दिया गया, और वो पैसा जो निकला उसको उन्होंने बैंक्स को वापस किया और अपनी सर्विसेज का जो चार्ज था वो लिया। सो दैट इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, जिसको अभी इनिशिएट नहीं किया गया था। यही चीज़ आपके यू नो नीरव मोदी के अगेंस्ट में हुआ है, यस कपूर राणा कपूर यस बैंक के जो है उनके साथ हुआ है, कैफे कॉफी डी के साथ भी होने के चांसेस थे, बट अगेन दैट हैज नॉट बीन इनिशिएटेड येट। सो बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन है, आप इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोर्ट को देखते रहिएगा। अभी विजय माल्या का नाम इसमें बार बार आ रहा है। सो ये सारे आर्टिकल्स हैं। आगे चलते हैं, नॉर्थ पंजाब फार्मर्स टू गो फॉर डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस। ये आपका बहुत ही VIP चैप्टर होने जा रहा है। What is that, Alok Kumar Dubey? Neelam Kamalwanshi Federation with a strong center borrowed from Canadian Constitution. Alok Kumar Dubey, what is that hal bhel? Okay, samajh gaya. Hindustan Aeronautics Limited, Bharat Heavy Electricals Limited. Okay, shortcut mein samajh nahi paya tha. Maafi chahta hu. Aage chal ke dekhte hain. Page 4, North Punjab farmers to go for direct seeding of rice. ये फार्मर्स हैं पंजाब में, वो इमेज मेरे पास एडिट नहीं है, अदरवाइज होता तो मैं ज़रूर आपको करता। मैं आपको दिखाता हूँ होता क्या है कि हम चावल जब राइस कल्टीवेशन करते हैं, राइस जो है वो एक इंटेंसिव वाटर इंटेंसिव एग्रीकल्चर है, उसमें पानी की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो हम क्या करते हैं, राइस के छोटे छोटे सीडलिंग जो होते हैं, बीज होते हैं, उसको हम पहले पानी में क्या करते हैं, डुबो के रखते हैं। जब उसमें जर्मिनेशन हो जाता है तो वो हम थक्का उठा के लेके जाते हैं और एक एक उसमें से जड़ निकाल के, एक एक सीडलिंग निकाल के हम मिट्टी में उसको चुभोते हैं, मिट्टी में उसको डालते हैं और वो पानी से डबाडब भरा रहता है। तो ये तरीका होता है। तो पहले इसमें क्या करना पड़ता है, आप उसको सीडलिंग को लेके कहीं आप उसको जर्मिनेट होने का मौका देते हैं। जर्मिनेट होने के बाद उनको निकालते हैं वहाँ से और उसमें से एक एक सीडलिंग निकाल के पानी में रोपते हैं। इसमें ये बहुत वाटर लेबर इंटेंसिव है और बहुत ही पानी ज़्यादा इसमें लगता है। और सारे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में सबसे ज़्यादा अगर किसी का यू नो एक्सप्लॉयटेशन होता है तो फीमेल लेबर फोर्स का, उन्हें झुक कर घंटों काम करना पड़ता है। मैंने भी किया हुआ है, मुझे बड़ा शौक था गांव वालों को देख के। अभी तक ट्रैक्टर चलाने का अरमान पूरा नहीं हुआ है, नहीं तो भैंस पे बैठने का, हल चलाने का, गाय भैंस को खाना खिलाने का, ठीक है उनको चराने ले जाने का, ये सारे शौक मैंने पूरे कर दिए हैं। गेहूँ की बुआई कैसे होती है, खेती बाड़ी कैसे होती है, आई डिड एवरीथिंग इन माई होम टाउन इन माई नेटिव प्लेस इन बिहार। सो अब कहने का मतलब क्या है कि वाटर स्कार्सिटी बढ़ती चली जा रही है, उसके अलावा लेबर फोर्स शॉर्टेज बहुत ज़्यादा एक्यूट होता जा रहा है, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द लेबर फोर्स जो माइग्रेंट लेबरर्स थे दे हैव गॉन बैक टू देयर होम। अब कंडीशन क्या है, एक तरफ पानी की कमी है, दूसरी तरफ आपके पास रिसोर्स क्रंच है, तीसरी चीज़ लेबर शॉर्टेज है। अब क्या किया जाए, अगर फूड सिक्योरिटी को कन्फर्म नहीं किया गया, अगर इन सारी चीज़ों पर भी अगर आँच आने लगेगी, सो हाउ आर वी गोइंग टू फीड आर नेशन, हाउ आर वी गोइंग टू फीड आर पीपल। सो ये आर्टिकल आपको मदद करने जा रहा है। ये आपका हुआ टू गो फॉर डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस। कहने का मतलब यह है कि हम जो है अब सीधे सीधे राइस को, पहले उसके सीडलिंग को जर्मिनेट होने का मौका नहीं देंगे, हम सीधे खेतों में ही उनकी सीडलिंग को डाल देंगे, उनके बीज को डाल देंगे, रोप देंगे, रोपाई कर देंगे और वहाँ से डायरेक्ट जर्मिनेशन होगा। तो ये जो टाइम है 10 से 12 दिन का ट्रांसपोर्टेशन का टाइम है, वो जर्मिनेशन से लेके उसको रोपाई करने तक का, वो टाइम खत्म हो जाएगा, लेबर शॉर्टेज का ज़्यादा यूज़ नहीं होगा और आप क्राइसिस से निपट पाएंगे। आगे चल के देखते हैं, लेबर शॉर्टेज इज एमिनेंट ओविंग टू एग्जोडस ऑफ माइग्रेंट लेबरर्स। फार्मर्स इन पंजाब स्मेल सीम ऑल सेट टू गो फॉर डायरेक्ट सीडलिंग ऑफ राइस इन खरीफ सीजन, मूविंग अवे फ्रॉम द ट्रेडिशनल प्रैक्टिस ऑफ सोइंग नर्सरी एंड देन ट्रांसप्लांटिंग इट। लेबर शॉर्टेज सबको पता है,
लेबर शॉर्टेज जो है आपको सबको पता है क्या परेशानी आने वाली है। तो इस तरीके इसको निपटने के लिए पंजाब के फार्मर्स ने डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस को प्रमोट करने की कोशिश की है। DSR का मतलब होता है डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस, उसको जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है कि पहले उसको नर्सरी में उगाया जाता है, उसके बाद से आप उसको उखाड़ के ले जाते हैं एक टब में एक शीट पे, उसको बारी बारी से उसके सीडलिंग्स को एक एक बीज को निकाल के जर्मिनेटेड प्लांट को निकाल के पानी में रोकते हैं। तो अब उसको नर्सरी वाला सिस्टम ही खत्म किया जा रहा है। दे आर डायरेक्टली गोइंग टू सीड ट्रांसप्लांटेड इनटू द वाटर ड्रिप्ट फील्ड, पानी से भरे हुए फील्ड में उसको डायरेक्ट रोपाई करने के लिए जा रहे हैं। Farmers are hopeful that this technology recommended in Punjab as alternative method of rice planting. Rice planting will come in Kharif. Rice planting comes under Kharif plantation. Rabi में नहीं आता है, Kharif में आता है। So इसको आप देखिएगा और मुझे जल्दी से लिख के भेजिए कि Kharif plantation में Kharif season में और कौन कौन से फसल बोई जाती है और उनका time क्या होता है। Give me that answer like a good boy and good girls. You know you people are strong ones. आप बहुत डायनेमिक इंडिविजुअल्स हैं, तो जल्दी से मुझे आंसर दीजिए कि खरीफ सीजन में और कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं। फार्मर्स आर होपफुल दैट दिस टेक्नोलॉजी रिकमेंडेड इन पंजाब एज एन अल्टरनेटिव मेथड ऑफ प्लांटिंग, ये इरिगेशन का पानी का बचाव करता है, लेबर शॉर्टेज की कमी को हटाता है और कम एनर्जी कंज्यूम करता है, इन कंट्रास्ट टू कन्वेंशनल मेथड ऑफ रेजिंग नर्सरी एंड देन ट्रांसप्लांटिंग राइस सीडिंग इन अ पडल्ड फील्ड। पडल मतलब पानी से भरे हुए फील्ड में। तो इस तरीके से लेबर शॉर्टेज की कमी एड्रेस हो जाएगी, कम बिजली की खपत होगी और पानी कम लगेगा, क्योंकि पहले आपको दो बार पानी यूज़ करना पड़ता था नर्सरी में और उसके बाद से खेतों में। आगे चलते हैं। द DSR टेक्निक इज लेस टाइम कंज्यूमिंग प्लस लेबर इंटेंसिव, लेस लेबर, इसमें कम लेबर लगेगा लेस टाइम लगेगा। इसको तार वटार DSR भी बोलते हैं। डेवलप्ड एंड सक्सेसफुली टेस्टेड ऑन अ गुड स्केल एट फार्मर्स फील्ड, बहुत से किसानों के फील्ड पे इसको सक्सेसफुली ट्राई किया गया है। इससे वाटर की बचत होती है, ज़्यादा खरपतवार की कमी हो जाती है और रिड्यूस्ड इंसिडेंस ऑफ न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी स्पेशली आयरन, और आयरन की कमी होती है। तो आप इसको याद रखिएगा, ये स्टेटमेंट आपको जो है UPSC स्टेटमेंट के तौर पर पूछ सकता है। ये पानी की कमी को प्रमोट करता है। फॉर एग्जाम्पल आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, विच अमंग द फॉलोइंग इज यू नो ट्रू अबाउट DSR डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिगार्ड्स टू डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस। इट सेव्स इरिगेशन वाटर, इट सेव्स लेसेंस वीड प्रॉब्लम, इट रिड्यूसेस इंसिडेंट ऑफ न्यूट्रिशन डिफिशियंसी, और यहाँ आयरन के बजाय आपको मैग्नीशियम बता दिया या कोई और न्यूट्रिएंट बता दिया, ठीक है। ये स्टेटमेंट आप याद रखेंगे, ओइंग टू लेसर लीचिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड डीपर रूट डेवलपमेंट। अब क्या होता है, लेसर लीचिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इससे बेनिफिट क्या है कि आपके न्यूट्रिशन जो है वो ज़्यादा होते हैं, न्यूट्रिशन जो है वो लीच नहीं करते और रूट का जो डेवलपमेंट है, जो राइस का जो सीडलिंग का जो रूट है वो अच्छे से अपनी जड़ें जमा लेता है, जिसके चलते खेती का नुकसान कम होता है, प्रोडक्शन अच्छा होता है। ये वाइडर टेक्नोलॉजी हैज़ अ वाइडर अडेप्टेबिलिटी, मतलब इंडिया के किसी भी कोने में चाहे वह पानी अधिक होता हो या कम होता हो इसको अच्छे से अडाप्ट किया जा सकता है। सूटेबल फॉर मीडियम टू हैवी टेक्सचर्ड सॉइल इंक्लूडिंग सैंडी लोम क्ले और सिल्ट लोम, किसी तरीके के दोमन मिट्टी, काली मिट्टी, भूरी मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, नीली मिट्टी, जो भी मिट्टी होगी सारे के सारे में ये काम कर जाएगी, जो कि 87% ऑफ द स्टेट का एरिया है। सो पंजाब में एक स्टेट में ऐसा नहीं है कि हर जगह एक ही मिट्टी होती है, दैट डिपेंड ऑन डिफरेंट थिंग्स, सॉइल का टेक्सचर जो है वो टेम्परेचर के ऊपर, वाटर के ऊपर, ठीक है, और फॉर्मेशन, सॉइल फॉर्मेशन का तरीका क्या है, क्या वहाँ पे इरिगेशन के थ्रू हर बार मिट्टी आती है या नदियाँ अपने साथ हर बार मिट्टी लेके आती है, जैसे दोमट मिट्टी हुआ आपके गैंजेटिक प्लेन में। सो इस स्टेट में ये किसी भी तरीके के मिट्टी में सक्सेसफुल रहेगा। वाइडर अडेप्टेबिलिटी याद रखिएगा। ग्राउंड वाटर रिचार्ज, DSR offers avenues for groundwater recharge as well. Prevents the development of hard pan just beneath the plow layer. मतलब ये मिट्टी को कड़ा होने से बचाता, सख्त होने से बचाता है, जिससे इनकी जुताई करने में आसानी होती है। 7 to 10 days earlier, 7 to 10 days कम लगते हैं, 7 to 10 days जो टाइम पहले आप नर्सरी में लगाते थे इनको जर्मिनेट करने के लिए, वो टाइम जो है अब नहीं लगता। रूट जो है अच्छे से डेवलप होती हैं, रूट अच्छे से डेवलप होती हैं। वाइडर अडेप्टेबिलिटी, आपको पूरे चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ कीवर्ड्स याद रखने हैं। नर्सरी वाला टाइम कम लगता है, रूट जो है बहुत गहरी हो जाती हैं। वाइडर अडेप्टेबिलिटी का मतलब है हर तरीके के मिट्टी में इसको यूज़ किया जा सकता है। उसके अलावा वीड, खरपतवार कम होते हैं, न्यूट्रिशन, अब इसमें
दो कौन कौन से ग्लोबल रिपोर्ट्स को आप ऐड करेंगे, ग्लोबल टारगेट्स और ग्लोबल रिपोर्ट्स को इसके साथ ऐड करेंगे, इस आर्टिकल के साथ आप कौन सी दो चीजें ऐड करेंगे ताकि आपके पास एक बहुत शानदार आंसर हो। ओके गुड मेघाकृति, मेघाकृति थैंक यू सो मच फॉर दिस इनपुट। खरीफ क्रॉप में सिर्फ एक बच्ची ने आंसर दिया, जैनब खान ने, जुलाई टू अक्टूबर राइस, ज्वार, बाजरा, मेज, कॉटन, शुगर केन, सोयाबीन, ग्राउंड नट। गाइज मैं और लोगों से भी उम्मीद कर रहा हूँ, प्लीज डू नॉट बी अ म्यूट स्पेक्टेटर। आई एम नॉट द ओनली वन जो डेली न्यूज एंड एनालिसिस करता है, बट आई कैन अश्योर यू कि मैं आपसे मैक्सिमम लेबर का डिमांड करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ बैठ के बाकी के बारे में, बात के बारे में ना सोचें। आपको कीवर्ड याद करने को बोला हुआ है, आपको रूट्स याद रखने हैं, अडेप्टेबिलिटी याद रखनी है, वीड याद रखना है, नर्सरी टाइम याद रखना है, वाटर रिचार्ज याद रखना है, न्यूट्रिशन याद रखना है, और आपको DSR टेक्नोलॉजी डायरेक्ट सीडलिंग ऑफ राइस जो है वो याद हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप 1 लाख एवरेज एस्पिरेंट से आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप कौन कौन सी दो चीज़ें ऐड करेंगे, तीन चीज़ें ऐड करेंगे जो आपके इस डेवलपमेंट को, इस करंट अफेयर्स आर्टिकल को होलिस्टिक बना देगा। Result from research trial and farmers field survey has also indicated that wheat grain yield after DSR is 1 to 1.1 quintal per acre. मतलब DSR को direct seedling of rice इस technique को use करने के बाद जो गेहूं की खेती है उसमें 100 से लेके 120 किलो तक की बढ़ोतरी हुई है per acre जो हुआ है, you know। उसके अलावा DSR involved more precision in timing and greater accuracy in operations compared to conventional transplanted rice। इसके चलते precision in timing, आपको accurate time पता होता है फसल के लगाने का और फसल के पैदा होने का, उसमें 7 से 10 दिन का समय जो है बच जाता है। उसके अलावा best yield, अच्छी पैदावार देता है और quality भी बहुत अच्छी होती है। इस तरीके से आगे चलते हैं, complete क्वालिटी भी अच्छी होती है। अब ये 7 से 10 दिन का अगर जो टाइम बच जाएगा तो किसान को ये टाइम किस में यूटिलाइज कर पाएंगे, स्टबल बढ़ने के बजाय उन खरपतवार को हाथ से निकालने में या मशीन से निकालने में इनकी मदद हो जाएगी। तो इस तरीके से जो हमारे यहाँ पार्टिकुलेट मैटर का प्रॉब्लम होता है, स्टबल बढ़ने का प्रॉब्लम होता है, उसको कंट्रोल किया जाएगा। आगे सस्टेनेबल, एब्सोल्युटली रवि कुमार टेक माय ब्लेसिंग्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को यूज़ किया जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप वो जो भीड़ भाड़ है, 1 लाख का क्राउड है, ठीक है, 14-15 लाख के क्राउड में, मैं ये मानता हूँ कि जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं दे आर ओनली 2 लाख, 2 लाख भी नहीं है, वो 1 लाख सीरियस एस्पिरेंट्स हैं। तो अगर आपने ये पढ़ के छोड़ दिया कि सिर्फ यही आर्टिकल है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, देन यू आर मेकिंग अ बिग मिस्टेक। आपको अभी बैठना नहीं है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, एंड आपका एजुकेटर आपको रास्ता दिखा सकता है। आई कैन बी द चेंज एजेंट, आई कैन बी द कैटलिस्ट, बट आई कैन नॉट गो फॉर द स्पून फीडिंग। सो मैं आपको चाहता हूँ कि आप अपना दिमाग लगाइए और उसमें 3-4 चीज़ों को ऐड कीजिए, सच एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उसके बाद से ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट, उसके बाद से ग्लोबल हंगर इंडेक्स को इसमें ऐड कर दीजिए, उसके बाद से आप प्रीएम्बल फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को भी इसमें ऐड करके देखिए कि वो कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो इसमें यूज किए जा सकते हैं, और इस तरीके से आपके पास एक घना सा ह्यूज डेटा हो जाएगा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। अब जैसे आप शुरू करेंगे पंजाब फार्मर्स टू गो फॉर डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस, बेनिफिट्स क्या है, बेनिफिट्स आपने पढ़ लिए, उसके बाद से 4-5 लाइन में आपको लिख के देना है, इट विल सपोर्ट गोल नंबर 1 and 2 ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अकॉर्डिंग टू ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट। इंडिया जो है 6 में से 3 टारगेट पे मिस करने वाला है, सो ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट को भी सपोर्ट मिलेगा। ग्लोबल हंगर रिपोर्ट में इंडिया की ये रैंकिंग है, एंड विद दिस वी कैन इंश्योर फूड सिक्योरिटी, वी कैन अवॉइड स्टंटिंग एंड मैल न्यूट्रिशन टू सम एक्सटेंट। उसके बाद से आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देर आर प्रोविजन फॉर लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज, गुड फूड एंड गुड इन्वायरमेंट। सो DPSP फंडामेंटल राइट प्रीएम्बल को ऐड करेंगे उससे। उसके बाद से कीवर्ड्स में कैसे याद करेंगे इनको, कीवर्ड्स में आपको ज़्यादा नहीं करना है, 5 कीवर्ड्स याद करने हैं आपको। पहले क्या करना होगा, जो क्राउड है अगर भीड़ से आगे निकलना है तो सबसे पहले एक कंसोलिडेटेड इन्फॉर्मेशन लेंगे आप, और वो होगा खरीफ सीजन में जो है, खरीफ और रवि के सीजन में कौन कौन सी फसल होती है, ठीक है, मंथ याद कर लीजिए, और प्रोड्यूसर क्या क्रॉप्स कौन कौन से होते हैं वो याद कर लीजिए, क्योंकि इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। उसके बाद से हम आगे चलेंगे, आगे हम क्या देखने जा रहे हैं, आगे हम ये देखेंगे कि इसमें और कौन कौन से हम कीवर्ड्स क्या याद करेंगे। आपको सारे वर्ड्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, यू हैव टू रिमेंबर कीवर्ड्स,
ठीक है, कीवर्ड्स का कैसे याद करेंगे, कीवर्ड्स को याद करेंगे, कीवर्ड्स को याद करेंगे, वाटर, वाटर लगेगा, कम लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कम लगेगा, उसके अलावा वाटर रिचार्ज होगा, इलेक्ट्रिसिटी को होगा, अडैप्टेबिलिटी, अडैप्टेबिलिटी कीवर्ड आप याद कर लीजिए, उसके बाद से वीड्स, खरपतवार कम होंगे, मैच्योर टाइम, मैच्योरिटी टाइमिंग्स, मैच्योरिटी टाइमिंग्स, ठीक है, उसके बाद से फूड सिक्योरिटी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, नेशनल फूड सिक्योरिटी को आप ऐड कर दीजिए इसमें, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, और उसके बाद से मेरे दोस्त अभी पिक्चर बाकी है, पिक्चर क्या बाकी है, आप इसको वन राशन वन नेशन से ऐड कर दीजिए, वन राशन प्लस वन नेशन से ऐड कर दीजिए, और इसके बाद से आप इसमें ऐड करते चले जाइए, आत्मनिर्भर भारत ऐड कर दीजिए, पिक्चर हो गया पूरा, वरुण व्योम आप पहली बार मेरे सेशन में आए हैं, थोड़ा सा टाइम बिताइए, आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा, आई एम श्योर, आप इस सेशन को ज़रा ध्यान से देखिएगा, दिल लगा के, थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है बिकॉज दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम, बट आई एम श्योर यू आर गोइंग टू लाइक इट गाइज, हाउ इज द आइडिया, सो मुझे जल्दी से डिकोडिंग करके दीजिए, डिकोड द इंटायर थिंग, मुझे ये सारी चीज़ें जो हैं डिकोड करके दीजिए, मेगा कीर्ति ट्रांसप्लांटेड राइस रिक्वायर 5600 लीटर ऑफ वाटर करेंटली एब्सोल्युटली मेगा कीर्ति, और इन्हीं सारी चीज़ों को, यही सारा जो डेटा आपने मुझे दिया है उसको आपको अपने आंसर में लिखना है, उसको अपने आंसर में लिखना है, सो गाइस जल्दी से डिकोड करके दीजिए, डायरेक्ट सीडिंग ऑफ, पहले आप क्या करेंगे, पहले आप लिखेंगे डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस, डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस खरीफ क्रॉप, उसके बाद से लिखेंगे बेनिफिट्स, बेनिफिट्स में कीवर्ड्स चाहिए, अडैप्टेबिलिटी, वाटर, वीडिसाइड, इलेक्ट्रिसिटी, न्यूट्रिशन, राइट, नंबर ऑफ डेज रिड्यूस्ड, उसके बाद से आप उसमें ऐड करेंगे क्या क्या, उसमें ऐड करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, फंडामेंटल राइट प्रीएम्बल, उसके बाद से ऐड करेंगे क्या ऐड करेंगे, स्कीम्स ऐड करेंगे अलग अलग, आत्मनिर्भर भारत के बारे में बताएंगे, फूड सिक्योरिटी के बारे में बताएंगे, उसके बाद से महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के बारे में बताएंगे, ठीक है, ये सारा ऐड करके इतना मेजर चंक लेके चलना है कि क्वेश्चन किधर से भी आ जाए और आपको कोई आंच न पड़े, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड प्रेपरेशन, इंटीग्रेटेड प्रेपरेशन, जल्दी से मुझे, निशा मिश्रा थैंक यू सो मच, दिमाग की बत्ती जल जाएगी और मैं इसीलिए आया हूं, आई वॉन्ट टू नो यू अंडरस्टैंड इट कंप्लीटली, आप इस चीज को कंप्लीटली समझ लीजिए, यूपीएससी इज नॉट अ मदर एंड फादर ऑफ ऑल एग्जामिनेशन, UPSC is not a mother and father of all examination. If you don't know how to tame the tiger, definitely, tiger will be the most dangerous animal in your eyes, in your mind. You must know how to tame the tiger. अगर आपको शेर को कंट्रोल करना नहीं आता रिंग मास्टर की तरफ तो definitely, it will be a threat to your life. It is not a fight for knowledge. UPSC doesn't want to know how much knowledge have you gained. UPSC wants to know आपको उस नॉलेज का एप्लीकेशन कैसे आता है, और ये एप्लीकेशन पार्ट है, हर एक बच्चा जो हिंदू पढ़ रहा होगा ऑनलाइन फॉर्म में या पेपर फॉर्मेट में, उन सब ने ये आर्टिकल पढ़ा होगा, लेकिन इतना इंटीग्रेशन करने के लिए एक जिगरा चाहिए, कन्विक्शन चाहिए, आर्टिकल आप पढ़ लेंगे क्योंकि पढ़ना है, लेकिन उस कॉमन थ्रेशहोल्ड से आगे जाना और वो कॉम्पिटिशन एलिमिनेट करना, दैट इज द रियल चैलेंज हियर, 13,000 10 से 12 लाख जो हैं, दे आर अ पार्ट ऑफ द क्राउड एंड आई डोंट वॉन्ट यू टू बी द पार्ट ऑफ द क्राउड, यू आर माई पीपल, यू हैव ज्वाइन अन अकेडमी यूट्यूब सेशन, आई वॉन्ट यू टू बी द मोस्ट इफिशियंट, मोस्ट नॉलेजेबल एंड मोस्ट स्ट्रॉन्ग, इमोशनली स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल, जल्दी से मुझे इसका कोरिलेशन बना के दीजिए गाइज, जल्दी से मुझे इसका कोरिलेशन बना के दीजिए, मैं वेट करूंगा, क्योंकि मैं अगर मैं आपको होमवर्क नहीं कराऊंगा तो आप घर पर नहीं करने जा रहे हैं, I am ready to wait for 2 minutes. I am ready to extend my session beyond 2 hours. मुझे कोई problem नहीं है. But I want you to do it. जल्दी से मुझे दीजिए. परमार पूजा, I am not asking this. मुझे goal मत बताइए. मुझे बताइए कि पहले आप क्या कीजिए. Direct seeding of rice. उसमें benefits को code word कर दीजिए. Water recharge, adaptability, nutrition, less number of time. अपार्ट फ्रॉम दैट लेबर शॉर्टेज को एड्रेस करता है ये, प्लस उसमें लिखिए, अब उसके बाद से आइए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को उसमें इंसर्ट कीजिए,
ठीक है, और इस तरीके से आपके पास एक कंप्लीट आंसर होगा, कंप्लीट आंसर होगा। एंड आई एम श्योर कि ये क्वेश्चन कहीं से भी आएगा, कोई भी टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर से रिलेटेड होगी। यस, उसमें स्टबल बर्निंग आप नोट कर सकते हैं, स्टबल बर्निंग, टोरीफैक्शन टेक्नोलॉजी यूज कीजिए उसमें। टोरीफैक्शन टेक्नोलॉजी अभी करंट अफेयर्स का हिस्सा था, वो स्टबल बर्निंग के मिनिस को दूर कर सकता है। स्टबल बर्निंग लगातार न्यूज में आ रहा है, जिसमें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इंस्टीट्यूट्स को ढेर सारे वार्निंग दिए, अल्टीमेटम दिए। सो जल्दी से डिकोड कर, ओ माई गॉड, श्रीनी रियो हैज डन इट। खरीफ क्रॉप्स सोइंग मॉनसून हार्वेस्ट विंटर क्रॉप्स राइस मेज ज्वार लॉट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड स्टबल बर्निंग स्मॉग ब्लैक कार्बन माई गुडनेस DSR पंजाब अडॉप्टेड SDG 1, 2, 3, 11, 15 महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम फंडामेंटल ड्यूटीज। नहीं बच्चे, यहाँ पे आप DPSP ऐड कीजिए। श्री रियो, आपके लिए आंसर कर रहा हूँ मैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज प्लस फंडामेंटल राइट, राइट टू लिव विद डिग्निटी होगा। आप इसमें प्रीएम्बल के प्रोविजंस को भी इवैल्यूएट करके देखेंगे, प्रीएम्बल के प्रोविजंस को भी ऐड करके देखेंगे। उसके अलावा आप देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को आपने ऐड कर दिया है, देन यू विल डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में ही आ जाएगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, ठीक है। उसके बाद से आप नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ऐड कर दीजिए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। उसके बाद से आप ऐड कर दीजिए वन राशन वन राशन कार्ड को ऐड कीजिए, वन नेशन वन राशन कार्ड को ऐड कीजिए। उसके अलावा आप इसमें ऐड कीजिए वन नेशन वन राशन कार्ड को आपने ऐड कर दिया, इसमें फूड सिक्योरिटी को ऐड कर दिया, आप इसमें स्टबल बर्निंग का इशू आपने दे दिया है। उसके बाद से हंगर एंड न्यूट्रिशन के बारे में आपने ऐड कर दिया है, ग्लोबल स्टबल बर्निंग है आपका, टोरीफैक्शन टेक्नोलॉजी, टोरीफैक्शन टेक्नोलॉजी हो गया। देन यू विल हैव टोरीफैक्शन टेक्नोलॉजी के अलावा आप ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट ले लीजिए, ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट। देन यू विल हैव ग्लोबल हंगर इंडेक्स को ऐड कर दीजिए, देन यू हैव यप। श्री रियो, थैंक यू सो मच फॉर दिस एफर्ट गाइज, एक थम्स अप बनता है श्री रियो के लिए, बहुत अच्छा आंसर दिया इन्होंने। एंड आई विल अपील टू ऑल ऑफ यू पीपल, प्लीज मूक दर्शक मत बनिए, आपसे अपील करता हूँ आप इसमें एक बार पार्टिसिपेट करके तो देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इट इज ऑलवेज अ ग्रेट फीलिंग टू बी अ चैंपियन, इट इज ऑलवेज अ ग्रेट फीलिंग टू हैव अ फीलिंग दैट यू आर ग्रोइंग। बहुत अच्छा लगता है कि आप ग्रो कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है कि आपके अंदर कॉम्पिटिशन है, ठीक है। सो प्लीज पार्टिसिपेट। अभी नीलम कमल वंशी ने शशांक, ओके शशांक रॉय में तो अपना नाम देख के ही चौंक गया कि ये शशांक रॉय कौन आ गया। ओके सो गिव मी अ थम्स अप एज वेल, मैं भी डिजर्व करता हूँ। नीलम कमलवंशी ने लिखा है DSR खरीफ क्रॉप्स इलेक्ट्रिसिटी अडाप्टिंग न्यूट्रिशन मैच्योरिटी टाइमिंग NFSA मनरेगा IWMR NRDWP NRLM SDG 1, 2, 3, 6, 8, 13 एंड गाइज, मुझे आप कुछ बोले ना बोले बट वन नेशन वन राशन कार्ड आत्मनिर्भर भारत अभियान, गाइज काइंडली गिव अ थम्स अप एंड राउंड ऑफ अप्लॉज टू नीलम कमलवंशी। नीलम कमलवंशी ने यू नो सी हैज ब्रोकन ऑल द बाउंड्रीज, कोई कंपटीशन ही नहीं रह गया, एंड दिस इज व्हाट आई वांट। कोई कंपटीशन नहीं है यूपीएससी में, मीडियोक्रिटी इज देयर, देयर इज अ मीडियोक्रिटी, और हमेशा जो मीडियोकर्स होते हैं दे आर इन मेजॉरिटी। आई चैलेंज इट कंप्लीटली ऑन दिस प्लेटफॉर्म, और अन अकेडमी को ज्वाइन करने का मेरा यही सबसे बड़ा उद्देश्य था, देन आई विल चैलेंज द कन्वेंशन। एंड एक बात आपको बताऊं, देयर इज नथिंग कॉल्ड अ ब्रिलियंट माइंड, अ जीनियस और एन इडियट, इट्स ओनली अबाउट ब्रेन एंड अनट्रेंड ब्रेन और ब्रेन और ट्रेंड ब्रेन डिफरेंस। जो हम सक्सेस की बात करते हैं, टैलेंट की बात करते हैं, IQ की बात करते हैं, दैट्स ऑल रबिश, दैट्स ऑल क्रैप। सिर्फ इट्स ऑल अबाउट ट्रेंड एंड अनट्रेंड माइंड। इफ यू वॉन्ट टू ट्रेन योर माइंड, यू ट्रेन इट एंड सी दैट यू आर अ चैंपियन इज देयर इन यू। या फिर अगर आप नहीं भरोसा करते हैं तो मुझे 101 रुपए पेटीएम ट्रांसफर कीजिए, मैं आपका भविष्यवाणी यहीं बता दूंगा, आपके रैंक के साथ मैं गिन के बता दूंगा दैट व्हाट ऑल यू आर गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स। सो खैर, जोक्स अपार्ट, आई मीन नथिंग सीरियस, बट गाइज आई एम श्रद्धा गुप्ता। गाइज एक बार, श्रद्धा गुप्ता एक नई स्टूडेंट है हमारे यहाँ। खरीफ मानसून सीजन राइस व्हीट लॉट्स ऑफ वाटर टाइमलेस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हंगर इंडेक्स फंड फंडामेंटल ड्यूटीज इलेक्ट्रिसिटी वन नेशन वन राशन कार्ड आत्मनिर्भर भारत। गाइज एक तलवार की जिंदगी तब मयसर है, तब सही है जब वो
अखाड़े जब वो युद्ध में उतर के ना खून पिए, राइट। एक किताब की जिंदगी तब मयसर है, तब सही साबित होती है जब उसका स्टूडेंट उसको इस शिद्दत से पढ़े कि अगर किसी ने उस किताब के पन्ने खोल लिए तो ऐसा लगे कि महाभारत की लड़ाई लड़ी है इस बच्चे ने उस किताब पे। कहने का मतलब उस पर कूदने की जरूरत नहीं है। यस, अंडरलाइन योर बुक, मेक नोटेशन। आपका स्ट्रगल, कल को आप सक्सीड कर जाएं तो कोई बच्चा उस किताब को अपने पास गीता पुराण बाइबल की तरह रखे कि ये किताब हमारे भैया ने दीदी ने पढ़ा था। एंड आई एम गोइंग टू फॉलो द सेम फुटप्रिंट, बी अ रोल मॉडल फॉर अदर्स। आई एम सो हैप्पी फॉर यू श्रद्धा गुप्ता, थैंक यू सो मच, टेक माई ब्लेसिंग्स, टेक माई अप्रिसिएशन। नीलम कमलवंशी, थैंक यू सो मच। शशांक रॉय, यू आर ऑल्सो वेरी नाइस, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया है बट अनफॉर्चुनेटली कोई आपको थम्सअप नहीं देता। शिनी रियो, थैंक यू सो मच, इस पे हमने बहुत अच्छा टाइम बिताया एंड आई लव दिस पार्टिसिपेशन। आगे चलते हैं, थैंक यू सो मच गाइज, बड़ा मजा आता है आपको इस तरीके से पढ़ा के। यहाँ पे कंप्लीट कालेश्वरम वर्क ऑन वॉर फुटिंग, तो आपको कालेश्वरम डैम प्रोजेक्ट में आपको देखना है। कालेश्वरम डैम प्रोजेक्ट जो है उसको आप देखेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको देखना क्या है, ये कौन सी रिवर पे बना हुआ है, प्लस कौन सा स्टेट ये कवर करता है, बाकी इसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। कालेश्वरम डैम प्रोजेक्ट को देखेंगे, रिवर कौन कौन सी हैं इसमें और कौन कौन से स्टेट्स इसमें शामिल हैं, दिस इज वॉट यू हैव टू डू। बाकी इसमें इस न्यूज़ में कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। पेज 6 और 7 एडिटोरियल्स के बारे में बात करेंगे। वेयर इज हेल्थ इन स्टिमुलस पैकेज, ये बहुत ही अथॉरिटेटिव आर्टिकल लिखा गया है जिसमें पूछा गया है पूरी अथॉरिटी के साथ कि पूरे स्टिमुलस पैकेज में हर तरह वाहवाही हो रही है, बट माई क्वेश्चन इज वेयर इज द हेल्थ। हेल्थ को कहाँ दिया है? हेल्थ को आप स्टिमुलस पैकेज देने के बजाय ऐसा क्यों नहीं करते कि पूरे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को ट्रांसफॉर्म किया जाए? सो दिस आर्टिकल इज वेरी अथॉरिटेटिव एंड आपको अच्छा लगेगा। India can pause and breathe a sigh of relief in its effort to contain the spread of coronavirus. Though the situation varies across the state, at the end of the first innings, the country seems to have an advantage. Our bowlers have done well to limit the COVID-19 score and flatten the curve. Credit for containing the spread of virus should go to our frontline medical and health workers in government, who literally rushed in where angel fears to trade to save our people's life. Putting aside threats to personal safety, family interest and stigma, selfless government health workers across the country are ones who are leading the charge. तो ये ऐसा लगता है कि ये राइटर एक क्रिकेटर की तरह हैं और इन्होंने बॉलिंग और बैटिंग का एग्जाम्पल लेके इस पूरे आर्टिकल को लिखने की कोशिश की है। ये बताते हैं कि इंडिया जो है थोड़ी देर के लिए एक गहरी सांस ले सकता है कि जो इन्होंने एफर्ट्स किए चीज़ों को कंट्रोल करने में, हालांकि पैंडेमिक अभी भी फैल रहा है। But keeping in mind the huge diversity that we have, we can appreciate the efforts of the government. इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमें अपने governments के efforts को appreciate नहीं करना चाहिए. It's not about BJP versus Congress. Just imagine what you would have done if you would have been the Prime Minister of India. People criticize the Prime Minister for their lofty speeches. But what will you do if you are the Prime Minister? क्या आप लोगों को भरोसा नहीं देंगे? क्या आप लोगों को उम्मीद नहीं देंगे? क्या आप ये नहीं बताएंगे we have to fight back? And India is going to fight back time and again. So let's not get into who is the Prime Minister. Let's get into what is being done here. Let's look at country as a whole unit. So ये article ये बताता है कि India can pause. India हो सकता है. India को थोड़ा सा रुक के एक गहरी सांस लेने की ज़रूरत है. लेना चाहिए जिस तरीके से उन्होंने चीज़ों को control किया. बहुत अच्छा जॉब किया उन्होंने COVID-19 को control करने में और बहुत से risk zone को green zone में convert करने में. वाहवाही उनकी भी होनी चाहिए, हमारे फ्रंट लाइन मेडिकल और हेल्थ वर्कर्स को जो कि लिटरली दौड़ पड़े जहां कहीं भी ज़रूरत थी मदद की। उन्होंने न अपनी परवाह की, न फैमिली इंटरेस्ट को देखा, कोई भी स्टिग्मा, किसी भी तरीके के स्टिग्मा और सेल्फ को अवॉइड करते हुए ये गवर्नमेंट सर्विसेज वहां तक जाने के लिए तैयार हुए जहां शायद एंजल्स भी जाने के लिए तैयार ना हो, एंजल्स भी जाने के लिए तैयार ना हो। तो ये यहाँ पे बहुत खूबसूरत सा शब्द लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ कि आप इसको अपने वर्ड्स में शामिल कर लें क्योंकि आपको अलग से मौका नहीं मिलेगा वोकैबुलरी डेवलप करने के लिए। वायरस शुड गो टू आर फ्रंट लाइन मेडिकल एंड हेल्थ वर्कर रश्ड इन वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड टू सेव पीपल्स लाइफ। एंजल्स फियर टू ट्रेड अच्छा वर्ड है, आप लिख लेंगे थोड़ा सा मजा भी आएगा, लगेगा कि आर्टिकल के साथ साथ एक नया वर्ड सीख लिया, यूज कर लीजिएगा, ठीक है। पुटिंग असाइड थ्रेट्स टू पर्सनल सेफ्टी, सो इस तरीके से हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने, फ्रंटलाइन यू नो मेडिकल फ्रेटर्निटी ने, पुलिस पर्सनल ने और हर किसी ने अपना अपना रोल बहुत संजीदगी से निभाया। आगे चलते हैं। वी शुड नॉट हाउएवर फॉरगेट दैट पिच कंडीशंस आर नॉट फेवरेबल टू इंडियन प्लेयर्स।
लेकिन हमें इस बात को भूलना नहीं चाहिए कि जो ये सिचुएशन इंडिया की है कोरोना वायरस के फेवर में है। मतलब इंडिया का की जो कंडीशन है, डेमोग्राफी है, जो लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड है, जो क्लाइमेट है, वो कोरोना वायरस के फेवर में है, मतलब हमारे लिए सही नहीं। सो वी हैव टू बी वेरी अलर्ट। इंडिया जीडीपी ग्रोथ फॉर 2019-20 जो था उसको लोअर कर दिया गया है, 4.1% कर दिया है 5% से। बहुत सी एजेंसीज ने आउटब्रेक के पहले इंडिया का ग्रोथ परसेंटेज बताया था 5%। इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 माइट रिड्यूस जीडीपी ग्रोथ। अनएम्प्लॉयमेंट हैज बीन ग्रोइंग सिंस जनवरी 2020 व्हेन द फर्स्ट केस ऑफ कोरोना वायरस इमर्ज्ड। सो एम्प्लॉयमेंट जो इकोनॉमिक ग्रोथ है 2019-20 में जो प्रेडिक्टेड था उसको कम करके 4.1% आंका गया है अभी तक। उसके अलावा जीडीपी ग्रोथ जो है वो 1.1% नीचे आ चुका है जब से कोरोना वायरस के बारे में पता चला है, और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ता चला जा रहा है जनवरी 2020 से जब सबसे पहले कोरोना वायरस का इंसिडेंट पता चला था। गाइस आपको बहुत ज़्यादा टेक्निकल वर्ड्स और डेटा जो है वो आपको याद नहीं करना है, बहुत ज़्यादा बहुत थोड़ा सा डेटा। ये सारा हम क्या करते हैं, जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो हम पूरा ये सारा डेटा रटने लगते हैं और नोट्स बनाने लगते हैं, जबकि इसकी ज़रूरत नहीं है। और यही रीज़न है कि आपको नोट्स बनाते बनाते थक जाते हैं, बाकी किसी चीज़ के लिए टाइम नहीं बचता। अगर नोट बन भी गया तो रिविजन बहुत पहाड़ बन जाता है। आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनमी, इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट एट द एंड ऑफ मार्च 16, 2020 वॉज स्टैगरिंगली हाई एट 24%। तो आपको ये पूरा स्टेटमेंट नोट करने के बजाय वॉट यू हैव टू डू, यू हैव टू सिंपली डू थिंग्स, एंड दैट इज इंडियाज अकॉर्डिंग टू सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनमी, इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट यू नो वॉज स्टैगरिंगली एज हाई एज 24% बाय द एंड ऑफ इन 2016। आपको ये भी याद नहीं रखना है। In 2020, India's unemployment rate was 24% according to Center for Monitoring Indian Economy. ठीक है? अब एक बात कर लीजिए इसको फिर से। Center for Monitoring Indian Economy के according India की unemployment rate जो है 2020 में वो 24% है। Now the second reason why the pitch is not India's favour, एक और कारण है जिसके चलते, पहला कारण तो यह है कि इंडिया में unemployment 24% है। अब अगर इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट 24% है तो आपको नहीं लगता कि बड़ा ही कंट्राडिक्टिंग सिचुएशन है? फैक्ट्रीज़ में काम करने के लिए लेबर शॉर्टेज हो गया है, एग्रीकल्चर फील्ड्स में लेबर शॉर्टेज है, और आप कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट आपके पास 24% है। मतलब जॉब है बट पीपल आर नॉट अवेलेबल। ये पैंडेमिक ने ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया है। दूसरा देखते हैं, इट इज़ नॉट इंडिया इन इंडियाज़ फेवर बिकॉज आर हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इज मोस्ट स्टेट इज एक्सट्रीमली फ्रेजाइल। One wonder first is whether Bihar can handle the consequences if the virus begin to spread with the return of millions of migrant workers back to state. Many other states also face a similar plight given the poor safe state of primary health care. जो दूसरी चीज़ है जो कोरोना वायरस के लिए को हमारे लिए खतरा बताती है वो पहला है, हमारे बहुत से स्टेट्स में हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम बहुत बुरी कंडीशन में है। अगर क्या होगा अगर बिहार के जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं अपने साथ यहाँ वापस लौटे यहाँ से, और अपने साथ वो कंटामिनेशन को भी लेके वापस लौटे उस स्टेट में जहाँ की हेल्थ केयर सिस्टम बहुत बुरी तरीके से लड़खड़ाया हुआ है। और ये सिर्फ बिहार की नहीं है, ये बहुत से स्टेट्स की कहानी है। वी डू नॉट हैव प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स इन प्लेस इन प्रॉपर कंडीशन। यहाँ तक की कंडीशन ये हुई है मध्य प्रदेश के बॉर्डर एरियाज में जो भी माइग्रेंट लेबरर्स जुटे हुए थे जाने के लिए, व्हेन दे रीच देयर होम जब अपने गांव पहुँचे गांव वालों ने उनको गांव में अंदर आने से मना कर दिया, एंड दे आर स्टेइंग आउटसाइड देयर विलेजेस। वो अपने घर के बाहर बने घरों में शेल्टर्स में रह रहे हैं क्योंकि गांव वालों ने उन्हें मना कर दिया, एंड दैट वॉज जस्टिफाइड टू सम एक्सटेंट। जान है तो जहान है। सो ये एक दूसरा बड़ा खतरा है। नाउ रिस्टोरिंग लाइवलीहुड इज द थर्ड चैलेंज हियर। Discussion on strategy to win the match have been focusing on ending lockdown, reviving, जो सबसे बड़ा मुद्दा अभी चल रहा है कि lockdown को कम खत्म करने की जो बात कही जा रही है, for what? Reviving economic activities, restoring livelihood, addressing concerns of hunger and starvation, stimulating small and medium enterprises, enhancing farm incomes. तो आपको ये नोट बनाने में मुझे नहीं ये नोट्स बनाने में आपको बहुत टाइम नहीं लगेगा। Why do we need to shut down lockdown? Why do we need to ease the lockdown? क्योंकि we want to revive economic activities. हम restore करना चाहते हैं livelihood opportunities. Hunger और starvation के problem को address करना चाहते हैं. Small medium enterprises में जो भूखमरी जो नौबत आ गई है जिस तरीके से ये shutdown होते जा रहे हैं उनको फिर से growth provide करना और farmers के income को बढ़ाना, ये अभी challenges हैं. The package of 20 lakh crore equivalent to about 10% of India's GDP is expected to restore and livelihood millions of migrants and other workers to,
who have lost their jobs and also enable entrepreneurs and business to get restarted. 20 लाख करोड़ का पैकेज जो दिया गया है आत्मनिर्भर भारत के अभियान के अंतर्गत में, जो इंडिया के जीडीपी का 10% होता है, ये उम्मीद करते हैं, ये इंडिया और बहुत से लोग उम्मीद करते हैं कि ये लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ लाखों लोगों का, लाखों माइग्रेंट लेबरर्स का जो लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ है उसको रिस्टोर करेगा, उनके जॉब को वापस लौटाएगा। बहुत से बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको फिर से वो सुविधाएँ मुहैया कराएगा ताकि वो अपने बिजनेस को फिर से स्टार्ट कर सकें। Now, some elements of stimulus package have been announced. Others might follow. कुछ अनाउंस कर दिए गए हैं, कुछ को फॉलो करने की ज़रूरत है। इन सारी चीज़ों के बीच हम एक चीज़ जो भूल जा रहे हैं वो है, इकोनॉमिक desperation might leave poor workers with no choice but to return to work, but many of them truly worried about getting infected. Amid all these development, one should not forget that the fear factor is reviving employment and business is real. हम कितने भी कोशिश कर लें, हम इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते कि जो माइग्रेंट लेबर्स अपने घर लौट गए हैं उन्हें वापस बुलाने में बड़ी दिक्कत होने वाली है। दे विल नॉट कम बैक सो ईजिली, उन्हें परसुएड करना होगा, और अगर आए भी तो वो डर में होंगे कि कहीं फिर से इन्फेक्शन हुआ तो। एंड इफ़ इट टर्न्स आउट रियली, अगर ये वाकई में हो गया देन वॉट विल हैपन। सो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है आने वाले दिनों के लिए। फॉर बिजनेस देर इज़ अ कंसर्न अबाउट कोलैप्स ऑफ डिमांड एंड शटिंग डाउन ऑफ रिटेल आउटलेट्स। बिजनेस वालों के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है कि जब डिमांड ही नहीं होगा तो सप्लाई करके आप क्या करेंगे, हैंस इकोनॉमिक शटडाउन, इकोनॉमिक कोलैप्स। फेसिंग डिफिकल्टीज इन एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉट अडहियरिंग टू कंडीशन सेट बाय गवर्नमेंट। अगर ये बिजनेसेस गवर्नमेंट के कंडीशंस को, गवर्नमेंट के टर्म्स एंड कंडीशंस को अगर फॉलो नहीं करेंगे तो परेशानी है। वरीड अबाउट अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट्स एक्शन पॉलिसी रिविजन्स। तीसरा जो चैलेंज है बिजनेस के सामने कि गवर्नमेंट के पॉलिसीज के बारे में कुछ पता नहीं है और वो जस्टिफाइड भी है। It is such an epidemic that nobody can trace. What we can do, we can only contain the infection. Uske alawa hamare haath mein kuch nahi hai. And the other thing we can do, we can pray, we can eat, we can stay safe. Aur hum apne scientist community se appeal kar sakte hain that they should work hard to find out the vaccine for coronavirus. Iske alawa hum kuch nahi kar sakte. To ye teen challenges jo hain wo business community ke liye hain. According to recent report, in the midst of long-term structural shift from China, companies prefer to relocate manufacturing to countries in association of Southeast Asian nation and not India. बहुत से states ने labor laws को dilute कर दिया था, 12 घंटे का shift बना दिया गया था और labors के जितने भी rights थे, fundamental rights थे, right to live with dignity था, उसको suppress कर दिया गया था लगभग 1000 दिनों के लिए, जैसे उत्तर प्रदेश government ने, आदित्यनाथ सरकार ने किया। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि उन्हें ये उम्मीद थी कि जो भी कंपनीज चाइना में शट डाउन हो रही हैं वो अपना एस्टैब्लिशमेंट इंडिया में कर लेंगी, लेकिन इंडिया से में आने के बजाय वो फैक्ट्रीज़, वो कल कारखाने, वो कंपनी जो हैं वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में जाना प्रेफर कर रही हैं, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, ठीक है, इन सारी कंट्रीज़ में इंडिया आने के बजाय। अब आगे चलते हैं। इन ऑल दिस द साइलेंस अराउंड हेल्थ केयर इज़ डिस्टर्बिंग। सारी बातें हो गई, एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट है और ये सारी बातें हो गई, लेकिन कोई हेल्थ केयर के बारे में बात नहीं करा। व्हाइल इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेजेस आर एसेंशियल, द मैच कैन नॉट बी वॉन विदाउट अर्जेंटली एंड इमीडिएटली स्टेपिंग अप इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ केयर। हम हो सकता है कोरोना वायरस को कंटेन कर लें, बट इज दैट अ फाइनल सोल्यूशन? इज दैट द परमानेंट सोल्यूशन ऑफ दिस पैंडेमिक? शुड वी नॉट इन्वेस्ट हैवली इन हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर? क्या हमें हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर स्टिमुलस तो सही है, लेकिन लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है मेडिकल फील्ड में ताकि आगे इस तरीके के एपिडेमिक को कंट्रोल किया जा सके। स्ट्रेंथनिंग पब्लिक हेल्थ सिस्टम को यहाँ अपील की गई है। डीलिंग विद COVID-19 पैंडेमिक हैज ब्रॉट आउट द क्रिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर इन हेल्थ प्रोविजनिंग। स्टक अराउंड 1.5% ऑफ GDP फॉर वेल ओवर अ डेकेड, लो लेवल ऑफ पब्लिक स्पेंडिंग ऑन हेल्थ इज अ बोथ कॉज एंड एग्जर्बिशिंग फैक्टर अकाउंटिंग फॉर पुअर क्वालिटी, लिमिटेड रीच एंड इनसफिशियंट पब्लिक प्रोविजन ऑफ हेल्थ केयर। डिस्पाइट दिस द पब्लिक हेल्थ सिस्टम हैज राइजन टू चैलेंज सो फार। बहुत ही बैलेंस्ड आर्टिकल लिखा है इस राइटर ने, और ये कभी भी गवर्नमेंट को बहुत बुरी तरीके से लतियाने के फेवर में नहीं है। इन्होंने ये दिया है कि हम स्टिमुलस की बात करें बट कोई हेल्थ के बारे में नहीं कर रहा। गवर्नमेंट COVID-19 पैंडेमिक ने बहुत से शॉर्टेजेस को, बहुत से लूप होल्स को, बहुत से गैप्स जो हमारे पब्लिक हेल्थ सिस्टम में है उसको उजागर कर दिया है। पिछले कई सालों से हमारे GDP का 1.1% जो है हम हेल्थ केयर के ऊपर स्पेंड करते हैं, जो कि बहुत से एशियन इकोनॉमीज़ में सबसे लोवेस्ट है।
लो लेवल ऑफ पब्लिक स्पेंडिंग जो है हेल्थ में है, उसने इस पुअर क्वालिटी ऑफ हेल्थ, पुअर क्वालिटी ऑफ मेडिसिन, पुअर क्वालिटी ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत बुरी तरीके से इंपैक्ट कर दिया। आप सोच के देखिए कि पूरी जीडीपी का 1.1% जो है वो सिर्फ हेल्थ पे जाता है, जबकि इसको आइडियली होना चाहिए तकरीबन 3-4% के बीच में। अगर इंडिया को डेमोग्राफिक डिविडेंड को रीड करना है, आपके पास हंगर है, आपके पास मेल न्यूट्रिशन है, आपके पास स्टंटेड ग्रोथ है, आपके पास एनेमिक वुमेन है, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए वी मस्ट इंक्रीज द जीडीपी। और जब तक ये नहीं होगा तब तक हम अपने हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को मुकम्मल नहीं बना सकते। और उसके बावजूद भी, इतने लड़खड़ाने के बावजूद भी, जिस तरीके से पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम ने चीज़ों को कंट्रोल किया है, दैट इज़ समथिंग कमेंडेबल। इतने लैक ऑफ रिसोर्सेज के बावजूद भी जिस लेवल पे हमने कंट्रोल किया है, दैट इज़ कमेंडेबल, दैट इज़ अप्रिशिएबल। द क्रेडिट गोज टू गवर्नमेंट, मेडिकल प्रोफेशनल, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑल द गवर्नमेंट ऑफिसेस, नहीं तो नहीं हो पाता। आप सोच के देखिए, अगर हम अपने सरकार को, अपने देश को अगर हम यू नो क्रिटिसाइज करने में लगे हैं, सो वॉट अबाउट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द मो वर्ल्ड सुपर पावर। यू नो, पर कैपिटा इनकम के बारे में कोई मैच नहीं है, बट अगेन दे कम्प्लीटली फंबल्ड पूरे पिछले कई सालों से। दे वर द वन जो कि अपने सोशल सिक्योरिटी नेट का ढिंढोरा पीटते थे, अनएम्प्लॉयमेंट बोनस के बारे में ढिंढोरा पीटते थे, बट कोविड 19 ने बहुत से यूरोपियन कंट्रीज के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को तार तार कर दिया है। नाउ यूनियन स्टेट गवर्नमेंट सीम टू हैव फाउंड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू प्रोवाइड एन इमरजेंसी रिस्पॉन्स टू डील विद द पैंडेमिक विद एजिलिटी एंड स्पीड। ऑर्डर्स हैव बीन प्लेस्ड टू पी फॉर पीपीज, वेंटिलेटर्स, टेस्टिंग किट्स एंड अदर सप्लाइज नीडेड टू डिटेक्ट एंड थ्रेट ट्रीट कोविड 19 पेशेंट्स। पॉसिबल दैट रिसोर्स एलोकेटेड टू अदर हेल्थ केयर प्रोग्राम्स आर बीइंग डाइवर्टेड टू डील विद कोविड 19 पैंडेमिक एंड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ सच डाइवर्जन ऑफ फंड्स कुड बी हाई। अब यहाँ पे ये चीज़ें बताने की कोशिश की, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इनपुट दिया है इस आर्टिकल ने। यूनियन स्टेट गवर्नमेंट्स जो है अपने फाइनेंशियल रिसोर्स को पूल करने में लगे हुए हैं ताकि इमरजेंसी रिस्पॉन्स जो है उसे डील कर सकें। बहुत स्पीड, तत्परता के साथ ऑर्डर प्लेस किए गए हैं वेंटिलेटर्स के लिए, टेस्टिंग किट्स के लिए, मेडिकल सप्लाइज के लिए जो एसेंशियल हैं कोविड 19 को कंटेन करने के लिए। बट एक क्वेश्चन आता है, क्या ये सारे फंड्स उन सारे स्कीम्स से तो नहीं निकाल के लाए जा रहे जो गवर्नमेंट ने अलग अलग स्कीम्स को प्रोवाइड किए थे पिछले बजट में? और अगर ऐसा हो रहा है तो ये बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि आप हो सकता है कोरोना पैंडेमिक को कंट्रोल कर लें, बट वॉट विल हैपन वंस दिस कोरोना पैंडेमिक इज ओवर। ये हाईलाइट करने की कोशिश की जा रही है कि जो भी पैसा लगाया जा रहा है, जो भी बजट, जो भी यू नो एक्सपेंडिचर हो रहा है गवर्नमेंट को, क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्होंने जो अलग अलग स्कीम्स में कंट्रीब्यूट किया हो, जो फंड्स अलॉटेड किए हो, वो फंड्स लेके इसको डील करने की कोशिश की जा रही है। इसका प्रॉब्लम यह है कि शॉर्ट टाइम के लिए आप इन चीज़ों से तो निपट लेंगे, बट जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसको परमानेंट सपोर्ट की ज़रूरत है, उसके लिए हमारे पास फंड नहीं रह जाएगा। People's access to routine maternal and child health as well as family planning services negatively impacted. Many states are simply not in a position to deal with the second wave of infection. Pandemic has exposed a hard truth. Most private healthcare providers seem to be incapable of and unwilling to help even during a national crisis. Routine maternal or child healthcare services jo hain wo negatively impacted hain, especially in rural areas and tier 2 and tier 3 cities mein. बहुत से स्टेट्स जो हैं वो इस कंडीशन में ही नहीं है कि अगर दूसरी बार कोरोना वायरस का चपेट आ गया तो उसको डील कर पाएंगे। और इन सारी चीज़ों ने एक कड़वा सच जो है साबित कर दिया है, बहुत से प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं वो या तो इनकेपेबल हैं इस कोरोना वायरस से डील करने के लिए, या फिर उनके अंदर इंटरेस्ट नहीं है गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करने के लिए। एंड इंडियाज प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर इज साइजेबल, और इंडिया में प्राइवेट हेल्थ केयर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा है। अगर इनका सपोर्ट नहीं मिलेगा देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम। According to recent figures, private sector accounts for 93% of all hospitals, 64% of all hospital beds and 85% of all doctors. Soch ke dekhe, can you ignore private sector? Their support is important. Rapidly declining revenues and sharply eroding profits leading to the closure of many private hospitals. So hume apne private hospitals ko, private systems ko evaluate karna hoga, unko support karna hoga. Only a few private providers have come forward to extend support to the government. सो प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर इज इंपॉर्टेंट। अगर इंडिया के हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, सो वी हैव टू कम इन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। एट द सेम टाइम प्राइवेट सेक्टर के पास भी इंसेंटिव होना चाहिए दैट वाई दे शुड बी कोलैबोरेटिंग विद द गवर्नमेंट एफर्ट्स। बहुत से प्राइवेट हॉस्पिटल्स बंद हो गए हैं बिकॉज ऑफ दिस कोरोना वायरस पैंडेमिक। उनका चलना ज़रूरी है बिकॉज गवर्नमेंट के पास इतना ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। 93% ऑफ ऑल हॉस्पिटल, 64% ऑफ हॉस्पिटल बेड्स एंड 85% ऑफ ऑल डॉक्टर्स आर इन प्राइवेट सेक्टर।
so we cannot afford to lose them. Not addressing weakness in public health delivery system can thwart all efforts in reviving economy. State governments need to be prepared as the worst may be yet to come. Time to seize the opportunity and invest in universal healthcare coverage by reversing the financial neglect of public healthcare. Nearly every country in the world has achieved anything like UHC has done it through the public assurance of primary healthcare. So, जो पब्लिक हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम का जो है अगर हमने उसको इग्नोर करते रहे तो हम इस पैंडेमिक से निपट नहीं पाएंगे. वी वॉन्ट बी एबल टू रिवाइव इकोनॉमी. वी नीड टू स्टेट गवर्नमेंट्स को प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा आगे की मुसीबतों के लिए. व्हाट इफ द सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस अटैक्स कम्स. अब ये अपॉर्चुनिटी सीज करनी होगी और हमें यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को प्रमोट करना होगा. और नियरली एवरी कंट्री जो वर्ल्ड में है जिन्होंने यूनिवर्सल हेल्थ केयर अचीव किया है उन्होंने पब्लिक इंश्योरेंस और प्राइवेट हेल्थ केयर. वर्ल्ड में जो भी कंट्रीज अपने हेल्थ केयर के लिए मानी जाती हैं उन सब ने सबसे पहले अपने प्राइमरी हेल्थ केयर को मुकम्मल किया है, उसको एस्टैब्लिश किया, उसको थॉरली प्रूफ किया है, रिस्क प्रूफ बनाया है. ओनली देन दे वर एबल टू इम्प्लीमेंट यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज फॉर देयर सिटीजन. अनाउंसिंग अ न्यू हेल्थ इन्वेस्टमेंट प्लान इज अर्जेंट नीड ऑफ द आवर. 1% ऑफ GDP इज नॉट सफिशियंट. सो व्हाट वी नीड एटलीस्ट समथिंग बिटवीन 2-3% और 3-4% ऑफ द GDP इन हेल्थ केयर. 70% of additional expenditure should be ring-fenced for primary healthcare. Total expenditure जो हेल्थ केयर का है उसमें 70% जाना चाहिए. रिंग फेंस का मतलब यह है एक प्रोटेक्शन देना होगा प्राइमरी हेल्थ केयर को. इसको अगर प्रोटेक्शन नहीं दिया तो बाकी जो है अर्बन हेल्थ केयर जो है या टर्शियरी हेल्थ केयर जो है वो सारे के सारे कोलैप्स हो जाएंगे. सो सबसे पहले प्राइमरी हेल्थ केयर को जो है वो स्ट्रेंथन करना पड़ेगा. सो दिस इज इन दिस आर्टिकल and I hope this article will make you understand. बहुत छोटा छोटा ज़्यादा नहीं हर मैंने अंडरलाइन कर दिया है जो भी चीज़ें आपको नोट करनी है. एंड ये आर्टिकल कोई बहुत टफ नहीं था. इसको आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से जोड़ के देख लेंगे वो कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो कि हेल्थ से रिलेटेड हैं. आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है सर. हाउ वन नेशन वन कार्ड रिलेटेड टू डायरेक्टिव DSR सिस्टम. नेहा मदेशिया, DSR सिस्टम वन नेशन वन कार्ड जो है वो DSR सिस्टम से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है. मैं ये कहता हूँ कि जिस तरीके से लेबर शॉर्टेज वन राशन वन कार्ड जो है वो एक स्कीम है जो माइग्रेंट लेबरर से रिलेटेड है, ठीक है, इसका कोई डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है. बट जैसा कि मैं इंटीग्रेटेड वे में पढ़ाता हूँ मैंने इस बात की अपील की है कि आप अलग अलग टॉपिक्स को जो है वो जोड़ के देखिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिटेन कर सकें. DSR सिस्टम इज़ नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू वन राशन वन कार्ड, बट अगेन ये एक सेफ्टी नेट है उन माइग्रेंट लेबरर्स के लिए. अब पंजाब में क्या हुआ है, पंजाब में लेबर शॉर्टेज है, दैट्स वाई दे आर गोइंग फॉर डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस, क्योंकि लेबर शॉर्टेज है. तो दोनों चीज़ों में लेबर कॉमन है, चाहे वन नेशन वन राशन कार्ड की बात करें चाहे वो डायरेक्ट सीडिंग. तो इसीलिए मैंने इन दोनों को कोरिलेट कर दिया है. डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है बट दोनों चीज़ों में लेबर जो है वो कॉमन है, माइग्रेंट लेबरर इज कॉमन, इसीलिए मैंने बात की है. सो गाइज हैव यू अंडरस्टूड दिस आर्टिकल. इसको DPSP में और फंडामेंटल राइट में राइट टू हेल्थ के अंडर में वो आर्टिकल इस पर लगा के अब इसको पूरा अच्छा खासा आर्टिकल बनाएंगे और 200 वर्ड्स में लिख देंगे दैट कैन इंडिया अफोर्ड टू नेग्लेक्ट इस प्राइमरी हेल्थ केयर सेक्टर. मैं लिख देता हूँ इसको क्योंकि आप करेंगे नहीं मुझे पता है. पढ़ना आसान है, रिविजन बहुत मुश्किल है. हर कोई पढ़ सकता है, हर कोई 700 पेज की बुक फिनिश कर देगा. बट वॉट मेक्स अ चैम्पियन आउट ऑफ एन एवरेज स्टूडेंट इज persistent conviction. Can India afford to neglect its primary health care system? Can India afford to neglect its primary health care system? अब इसका आंसर लिखते समय आप क्या करेंगे, इसका आंसर लिखते समय सबसे पहले आप डेटा देंगे. डेटा कैसे, जैसे कि एक लॉयर होता है, आप दामिनी मूवी देखी होगी, उसमें सनी देओल जो है वो एक्टिंग, वो जाता है जजेस के पास, आर्ग्यूमेंट करता है, तारीख पे तारीख, माय लॉर्ड ये क्या हो रहा है, हो सकता है मेरा एक्सीडेंट, वो बड़ा लंबा चौड़ा सा डायलॉग देता है. तो उसी लॉयर की तरफ आपको इसके पीछे, इसको शुरू करने से पहले, इस क्वेश्चन का मुखड़ा लिखने से पहले, प्रेजेंटेशन जो इंट्रो लिखने से पहले आपको डेटा फर्निश करना पड़ेगा. अकॉर्डिंग टू ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल हंगर इंडेक्स, राइट, उसमें आप डेटा लिखेंगे.
ठीक है, उसमें आप लेबर को भी इंटीग्रेट करेंगे और ये आपकी कलाकारी पे है। और उसके बाद से इस आर्टिकल्स को छोटे छोटे वर्ड में कट शॉर्ट करते हुए लिखते चले जाना है। तो पहले आप डेटा फर्निश करेंगे, ठीक है, जैसे सनी देओल जो है जज के सामने एक डेटा देता है, हर रोज एक बलात्कार होता है, हर रोज एक हत्या होती है, क्या मैं आता हूं यहां पे और मेरा एक्सीडेंट करके कोई ऑटो वाला चला जाए और केस रजिस्टर्ड होगा मर्डर का पापा, तो वो आप करेंगे तारीख पे तारीख वाला जो डायलॉग जो है वो आप मेंशन करेंगे। पहले अलग अलग डेटा देंगे, ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट का, ग्लोबल हंगर इंडेक्स का, हंगर एंड मैलन्यूट्रिशन के बारे में आप देंगे, और उसके बाद से ये आर्टिकल लिख देंगे, और अंत में आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया राइट टू लिव विद डिग्निटी इज अ पार्ट ऑफ दिस राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट, उसमें जो भी फंडामेंटल राइट है और DPSP है उसमें अंत में डाल दीजिएगा, एंड बाय टेकिंग दीज स्टेप्स इन यू नो बाय टेकिंग दीज स्टेप वी कैन इंश्योर दैट वी आर गोइंग टू रीप द बेनिफिट्स ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड। एक सशक्त भारत, आत्मनिर्भर भारत की स्थापना तभी हो सकती है जब हम प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर ध्यान दें। अंडरस्टूड, क्लियर, लॉक किया जाए। आगे चलते हैं, लिटरेचर पढ़ के बोर हो गए, अब आपको मैपिंग में लेके चलता हूँ जो कि मुझे बहुत पसंद है, तो हम अब चलेंगे। हाँ, एक चीज़ इंपॉर्टेंट देखिएगा, जो आपका ये आपका एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट है जो मैंने कवर किया हुआ है, सो आप प्लीज़ इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। द अदर टू प्रपोजल एक बार आप देख लीजिएगा, कल जो मैंने आर्टिकल किया है वो यही है। यहाँ पे कमर्शियल सेक्स वर्क में स्पाइक केसेस, यहाँ पे मैं आपका ओपिनियन चेंज करना चाहता हूँ, The nation wants to know today, what's your opinion about this commercial sex worker Miss Pike cases? What would you say about it? What's your opinion? The nation wants to know today in this news analysis run by Shashank Shekhar Roy. आगे चलते हैं। ये आर्टिकल ये कहता है, allowing commercial sex work to commence immediately after lockdown in India in red light area could lead to a rapid rise in cases that could overwhelm hospitals. Says a modeling study from researchers at Yale School of Medicine and Harvard Medical School. Though these findings have been shared with the state governments, these are still being peered reviewed. According to Yale University of Medicine and Harvard Business School ने एक रिसर्च पब्लिश किया है, एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया है, जिसमें यह बताया गया है कि अगर हमने कोरोना वायरस के एपिडेमिक के लॉकडाउन के लॉकडाउन खत्म होने के बाद अगर हमने कमर्शियल सेक्स वर्कर्स को अगर कंट्रोल नहीं किया, कमर्शियल सेक्स वर्क को अगर हमने कंट्रोल नहीं किया, देन इट मे लीड टू इन्फेक्शन एंड क्रॉनिक यू नो वल्नरेबिलिटीज। इन चीज़ को देखना है। ये आर्टिकल मैंने डिलिबरेटली यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ मैंने चूज़ क्यों किया। एज पर द स्टडी, इफ रेड लाइट एरियाज आर केप्ट क्लोज फॉलोइंग द लिफ्टिंग ऑफ लॉकडाउन, देयर कैन बी डिले ऑफ द पीक ऑफ COVID-19 केसेस बाय अप टू 12 डेज इन मुंबई, 17 डेज इन न्यू दिल्ली, 29 डेज इन पुणे। मतलब इनको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, अगर ये इन सेक्शुअल एक्टिविटीज़ में कंट्रोल हो जाएगा तो बहुत हद तक हम कोरोना वायरस के पैंडेमिक को कंट्रोल कर पाएंगे। अब इसके अलावा ये सारे आर्टिकल्स दी गए हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बट मैं ये चाहता था कि यहाँ पे एक आर्टिकल दिया हुआ है, देयर आर क्लोज टू 6,37,500 सेक्स वर्कर्स इन इंडिया एज पर नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। सो इस ऑर्गेनाइजेशन को भी आप देख रहे हैं जो इस टॉपिक के अंतर्गत है। द स्टडी रिलाइड ऑन डेटा फ्रॉम सेंसस फिगर्स ऑन सेक्स वर्कर्स पॉपुलेशन एंड इंटरव्यूज इन रेड लाइट एरियाज। Our study findings show that there is a strong effect of red light areas closures, especially immediately following the lockdown. So, इस आर्टिकल को मैंने क्यों लिया? क्योंकि on an average नहीं, around 98% people will look at this article with a different opinion. But मैं ये चाहता हूँ कि if you talk about commercial sex workers, right? How will they survive? What is the provision? Are they not human beings? Don't they need food? How will they sustain? आपके पास एक दुकान थी, बंद हो गई, राइट, देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू कैन सस्टेन, बट वॉट अबाउट द कमर्शियल सेक्स वर्क, हाउ विल दे यू नो सर्वाइव? आपको यहाँ पे घिन की जरूरत नहीं, आपको यहाँ कॉन्टेम्प्ट और हेट करने की जरूरत नहीं है फॉर टूवर्ड्स दीज सेक्स वर्कर्स। आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट दे आर ह्यूमन बींग्स, फर्स्ट दे आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया, फर्स्ट दे डिजर्व टू लिव अ लाइफ ऑफ डिग्निटी, फर्स्ट That constitution is not based on gender. Yes, special provisions है gender के लिए, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप अपना opinion बनाएं, और आपको मैं challenge करता हूँ, अगर इस article में आपने 200 words balanced करके लिख लिए, you are Hi guys, can you see me here? Hi guys, can you see me here?
गाइस कैन यू सी मी? ओके चलते हैं, शुरू करते हैं सेशन, जो बाकी रह गया उसको कंप्लीट करते हैं एंड देन वी विल बी बैक हियर. गिव मी वन सेकंड. यस, हम आज कुछ मैपिंग करेंगे चल के. विल डू सम मैपिंग. अच्छा, हम यहाँ पे थे. यहाँ पे कमर्शियल सेक्स वर्क में स्पाइक केसेस, रिसर्चर्स फील रेड लाइट एरियाज, इनको हम देखेंगे यहाँ पे. इस ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज मेनी ऑफ अस विल हैव अ बैलेंस्ड बायस्ड ओपिनियन विद रिगार्ड्स टू सेक्स वर्कर्स, बट आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दिस थिंग एंड दैट थिंग इज बैलेंस्ड योर ओपिनियन. फर्स्ट डू नॉट लुक एट देम विद अ नेगेटिव पर्सपेक्टिव. मैंने जैसे बोला है, एवरी सेंट हैज अ यू नो एवरी सेंट हैज अ पास्ट एंड एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर. सो आपको एक चीज़ देखना होगा कि यू नो इन फर्स्ट दे आर ह्यूमन बींग्स, राइट? तो उनके ह्यूमन राइट्स क्या क्या हैं, आपको उनके ह्यूमन राइट्स को देखना होगा और 200 वर्ड्स में आपको उनको लिखना होगा उनके ह्यूमन राइट्स के बारे में, राइट? और आप इस बात को सोच के देखिए कि इफ़ देयर सेक्शुअल वर्क इज नॉट इम्पॉर्टेंट, अगर उनका सेक्शुअल एक्टिविटी जो है, इफ़ सेक्शुअल वर्क इज क्लोज्ड कम्प्लीटली, हाउ विल दे सर्वाइव? हाउ विल दे सर्वाइव? दैट्स अ बिगर क्वेश्चन, राइट? लेट्स नॉट गेट इन टू, हम इसको प्योरिटी और पॉल्यूशन के परस्पेक्टिव से नहीं देखेंगे. हम इस सारे इस आर्टिकल को हम प्योरिटी और पॉल्यूशन के परस्पेक्टिव से नहीं देखेंगे, पाप और पुण्य के परस्पेक्टिव से नहीं देखना है हमें. हमें यहाँ पे ह्यूमैनिटी के परस्पेक्टिव से देखना है, ह्यूमन राइट्स के परस्पेक्टिव से देखना है. और अगर आपका वो ह्यूमन राइट्स का परस्पेक्टिव नहीं है, देन यू शुड नीड टू, यू आर सपोज टू रिफॉर्म योर थिंकिंग प्रोसेस. ये आर्टिकल मैंने डेलिबरेटली इसलिए चूज़ किया ताकि आपको एक मौका मिले लोगों को ह्यूमन बींग्स के पैरामीटर पे, ह्यूमैनिटी के पैरामीटर्स पे इवैल्यूएट करने का, और वो आपकी सच्ची पहचान है दैट हाउ गुड यू आर एज एन एडमिनिस्ट्रेटर यू आर गोइंग टू बी, क्योंकि ये सोल है, राइट? उसके अलावा आप नेशनल एड्स कंट्रोल के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, इनकी एक्टिविटीज़ क्या कह रही हैं, सेंसस फिगर्स को देख लेंगे, तो ये डेटा आपको काम करेगा और फंडामेंटल राइट के पर्सपेक्टिव से आप इसको यूज़ कर सकते हैं. Give me one second, guys. मैं कुछ आंसर दे दूं आपको. गाइज यहाँ पे मेरा कैमरे में मेरा फेस नहीं आ रहा है, बट छोड़ दीजिएगा, फेस इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉन्टेंट इंपॉर्टेंट है. तो अगर मैं नहीं दिख रहा, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, दैट इज इमटीरियल. मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है, दुआ कीजिए वो आवाज़ चलती रहे. आगे चल के देखते हैं हमारा जो अगला टॉपिक है, वो टॉपिक हमारा होने जा रहा है, वो भी जेंडर वायलेंस से है. ये मैंने यहाँ पे अभी बहुत अच्छा सा मैप किया था. इसराइल में बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो फिर से अपनी गद्दी संभालने जा रहे हैं एंड ही इज़ कंसिडर्ड, इन इस बार इनके चांसेस बहुत कम थे. इज़ अ वेरी अग्रेसिव लीडर और पैलेस्टीनियन ऑक्यूपेशन में इनका बहुत बड़ा हाथ है, बहुत अग्रेसिवली इन्होंने परस्यू किया है. सो इस आर्टिकल में मैंने बहुत ढेर सारे मैप अपलोड किए थे, बट दिस टाइम जैसे सिस्टम शट डाउन हुआ, मुझे लगता है शायद मैंने PPT सेव नहीं किया था एंड इट गॉट एवरीथिंग गॉट डिस्ट्रॉयड. सो अनफॉर्चुनेटली वो मैपिंग आपको नहीं करा पाऊंगा. सो इट्स जस्ट अ गुड टू इन्फॉर्मेशन, कुछ नया इसमें नहीं है. इट्स जस्ट दैट इसराइली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो फिर से गद्दी संभाल रहे हैं. यहाँ पे आपका एक है रियली पेपर गोल्ड, ये सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स के बारे में दिया गया है, आपको पढ़ना होगा. सोवरिन भारतीय रिजर्व सिक्के, ये सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स को आप देखिए, ये पेपर करेंसी है और इट्स अ गुड टू नो इन्फॉर्मेशन. व्हाट इज सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स, व्हाट आर बेनिफिट्स ऑफ बाइंग सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स, व्हाट हाउ द बॉन्ड्स आर स्ट्रक्चर्ड, लास्ट ट्रांस प्राइस क्या होता है, गोल्ड बॉन्ड्स का प्राइस क्या होता है. उसके बाद से हम इंडियन एक्सप्रेस में एक चीज देखने चलते हैं और वो आर्टिकल आपका है यू नो टुवर्ड्स स्वराज के अलावा एक वुमेन कंडीशन से रिलेटेड आर्टिकल है जो पहले वाले आर्टिकल को सपोर्ट करेगा. मैं वो आर्टिकल पहले आपको लेके चलता हूँ और उसके बाद से अगर हमारे पास टाइम बचा देन दिस आर्टिकल, हाउ COVID-19 इज एम्प्लीफाइंग जेंडर इनइक्वालिटी इन इंडिया. ये आपके सोशल इश्यूज का पार्ट है.
हाउ इनइक्वालिटी सोशल इश्यूज का पार्ट होगा, वुमेन्स कंडीशन, हाउ जेंडर इक्वल, हाउ कोविड 19 इज एम्पलीफाइंग जेंडर इनइक्वालिटी, जेंडर इनइक्वालिटी जो है, जेंडर इनइक्वालिटी जो है, अब जल्दी से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का वो कौन सा गोल है, गोल नंबर कितना है जो जेंडर इनइक्वालिटी को दिखाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर कौन सा है जो जेंडर इनइक्वालिटी को दिखाता है, एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स नंबर कितना है जो जेंडर इनइक्वालिटी को दिखाता है, व्हाट इज द गोल नंबर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जेंडर इनइक्वालिटी, जल्दी से बता दीजिए गाइस, जल्दी से मुझे वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बता, जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है वो सीख लेंगे, लेकिन छोड़ना किसी को नहीं है, वी हैव टू कम टुगेदर, वी हैव टू मूव टुगेदर एंड वी ऑल विल बी सक्सेसफुल, है ना, कितना अच्छा होगा इसमें आज इस ग्रुप में जो लोग पढ़े इसमें 2-4-10 एक साथ यू नो एग्जाम देने जाएं, सिविल सर्विस क्वालिफाई कर जाएं, तो आप जाके कल लबासना में या सरदार वल्लभ भाई पटेल एकेडमी में इस बात पे हंसेंगे यार वो कैसा टाइम था जब लॉकडाउन था और सर का सिस्टम हमेशा शटडाउन हो जाता था, बेचारे बार बार जाते थे सिस्टम को अप करते थे, कोई मैकेनिक अवेलेबल नहीं था, है ना, सो दीज थिंग्स विल बिकम अ पार्ट ऑफ योर मेमोरी, जल्दी से एब्सोल्युटली पवन कमल नीलम कमलवंशी नेहा मदेशिया पवन इनामदार श्रद्धा गुप्ता एंड थैंक यू सो मच गाइज, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है दो लोगों को देख के, इसमें नेहा मदेशिया हैं हमारी नई स्टूडेंट हैं एंड श्रद्धा गुप्ता आई एम सो हैप्पी फॉर यू, मतलब दिस इज आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम आई कैन सी यू इन माई क्लासेस, बट अगेन मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से आप आंसर कर रही हैं, सो विश यू ऑल द बेस्ट, टेक माई ब्लेसिंग्स, टेक्स माई हार्ट विशेज एंड बी सक्सेसफुल, राइट, सो थैंक यू सो मच नेहा मदेशिया, यू आर कॉन्टिन्यूसली ग्रोइंग, थैंक यू सो मच, यू नो बहुत से बच्चे आए हैं, श्रद्धा गुप्ता है, अभिषेक दुबे आए हुए हैं, रोहित अहमद हैं जो कि इस बार सेशन में हमारे पास दूसरी बार आए हुए हैं, उसके अलावा आलोक कुमार दुबे है, प्रीति परमार एज यूजल, एंड देर आर मेनी स्टूडेंट जिनको मैंने नहीं देखा, बट आई एम सो हैप्पी फॉर यू, एक और स्टूडेंट हमारे पास आई हैं जूही बरतारिया, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स, यू मेड माई डे, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यस थैंक यू सो मच, आप चलते हैं इस आर्टिकल को पढ़ते हैं, वाइल मेंस इम्यून सिस्टम मे बी लेस इक्विप्ड टू फाइट द वायरस द सोशियो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज टू कोविड 19 आर स्टैकिंग द डेक अगेंस्ट वुमेन, अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू मेडिकल आर्टिकल का समरी ये कहता है, वुमेन आर बियरिंग अ डिसप्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ बर्डन दैट द इम्पोजिशन ऑफ लॉकडाउन श्रिंकिंग द इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी हैज क्रिएटेड, अब ये आर्टिकल कोविड 19 का एक नया पर्सपेक्टिव, पहला वो सेक्स वर्कर्स वाला पर्सपेक्टिव है और दूसरा ये है कि किस तरीके से इस लॉकडाउन की जो सबसे ज़्यादा मार पड़ रही है, जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है, दैट इज़ ऑन वुमेन, ऐसा बताया जाता है एपिडेमोलॉजिकल स्टडीज़ के अकॉर्डिंग बताया जाता है कि मेंस का इम्यून सिस्टम कमज़ोर है इन कंपैरिजन ऑफ फीमेल्स टू फाइट कोरोना वायरस एपिडेमिक, ये एपिडेमोलॉजिकल है, मेरे घर पे किसी ने मेरे पापा चाचा ने नहीं बताया, ये मेडिकल रिसर्च है कि मेंस का जो मेल्स का जो इम्यून सिस्टम है वो कम ताकतवर है फीमेल्स के इम्यून सिस्टम से कोविड को लड़ने में, कोविड 19 पैंडेमिक को लड़ने में, तो एक तरफ तो मेन वल्नरेबल हो गए, तो इसका क्या मतलब, दैट फीमेल्स आर नॉट वल्नरेबल, फीमेल्स आर वल्नरेबल नॉट फ्रॉम द कोविड 19 पर्सपेक्टिव बट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इनइक्वालिटीज, किस तरीके से कोविड 19 ने उनके श्रिंकिंग स्पेस, उनके फ्रीडम स्पेस को कम कर दिया है, उनकी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ को कम कर दिया है और किस तरीके से इट इज़ लीडिंग टू अब्यूज एंड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, आगे चलते हैं, वाइल मच ऑफ कोविड 19 इज एपिडेमोलॉजिकल रिमेन्स श्राउडेड इन मिस्ट्री, वी नो दैट इट क्लेम्स दैट द लाइफ ऑफ मेन मोर देन वुमेन एट डबल द रेट इन सम कंट्रीज, अभी तक बहुत सी चीज़ें जो एपिडेमोलॉजिकल स्टडीज़ हैं, जो मेडिकल रिसर्च हैं, उसमें बहुत सी चीज़ें क्लियर नहीं हैं, बट एक चीज़ ये बताता है कि फीमेल्स, मेल्स का जो इम्यून सिस्टम है वो ज़्यादा वल्नरेबल है कोविड 19 के लिए इन कंपैरिजन ऑफ फीमेल्स, और हर एक फीमेल के रेशियो के हिसाब से द फर्टैलिटी रेट, जो मरने की संख्या है, जो जानलेवा जो नंबर है, वो मेल्स की ज़्यादा इन कंपैरिजन ऑफ फीमेल्स, अदर आउट कोरोना वायरस आउटब्रेक सच एज 2019 SARS एंड 2012 MERS epidemic were also more deadly for men than women. और पिछले भी epidemiological studies ने बताया कि 2003 में जो SARS वायरस और 2012 में MERS वायरस था उसमें भी ज़्यादा पुरुषों की जान गई थी क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम जो है वो ज़्यादा vulnerable होता है. At the same time, ये पहले भी रिसर्च में आ चुका है कि फीमेल एंड मेल गर्ल चाइल्ड में अगर देखा जाए तो फीमेल गर्ल चाइल्ड्स आर मच मोर रिजिलियंट. इसका एग्जैक्ट रीज़न नहीं पता, हो सकता है ये कुदरत का करिश्मा हो, हो सकता है ब्रह्मांड को, विश्व की ताकतों को ये पता है कि ये बच्चियाँ पैदा होंगी, ज़मीन पे जाएंगी, इनको डाउरी के नाम पे मार
मार दिया जाएगा, सेक्सुअली एक्सप्लॉइट होंगी, सो चलो इनको कुछ ज़्यादा इम्यूनिटी दे देते हैं, कम से कम सर्वाइव तो कर लेंगी। तो ये हो सकता है कुदरत का करिश्मा हो, बट मेरे से अगर आप पूछेंगे तो लेमैन टर्म्स में आई डोंट एग्जैक्टली नो कि ये होता कैसे है, वाई द फीमेल चाइल्ड इज मच मोर स्ट्रॉन्गर और रेजिलियंट होती इम्यूनिटी वाइज एक मेल चाइल्ड के हिसाब से। उसी तरीके से यहाँ पे यंग्स यूथ की बात बोल रहे हैं कि वी आर मोर वल्नरेबल फॉर एपिडेमिक, बट इसका एक दूसरा पहलू है, बट दिस एपिडेमोलॉजिकल फैक्ट रिस्क ऑब्स्क्योरिंग अनदर जेंडर डायमेंशन ऑफ पैंडेमिक। लेकिन इस एनालिसिस के पीछे भी एक और एनालिसिस है पैंडेमिक से रिलेटेड। व्हाइल मेंस इम्यून सिस्टम मे बी लेस इक्विप्ड टू फाइट ऑफ वायरस, द सोशियो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कोविड-19 आर स्टैकिंग एंड द डेक अगेंस्ट वुमेन। एक तरफ पुरुषों का इम्यून सिस्टम कोविड-19 के लिए वल्नरेबल है, उनके लिए ज्यादा फैटलिटी रेट जो है वो मेंस के लिए ज्यादा है, बट हमारे सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन जो है कोविड-19 के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो वो सारे के सारे सिचुएशन वुमेन्स के अगेंस्ट में बढ़ते चले जा रहे हैं। These effects are clearest in developing countries like India, where gender inequality is a persistent challenge. और ये सबसे ज़्यादा उन देशों में देखने के लिए मिल रहा है, developing countries such as India, जहाँ की gender inequality जो है लगातार देखने को मिलता है हर social strata में। आप चाहे upper class की बात करें, lower class की बात करें, आपको क्या लगता है जो elite societies हैं, जो upper class है, जो upper middle class है, क्या उनमें sexual violence नहीं है, क्या उसमें gender inequality नहीं है? There is a gender inequality, और ये it is regardless of caste, creed and gender। ये किसी कोई ज़रूरी नहीं है कि जो अच्छी कम्युनिटी में है या फिर सो कॉल्ड ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य कम्युनिटी में है, दे विल नॉट एक्सप्लॉयट देयर वुमेन। ऐसा नहीं है कि एक पीएचडी करने वाला बंदा है मॉरली भी हाई होगा, एजुकेशन इज ऑल टुगेदर डिफरेंट एंड मोरालिटी इज ऑल टुगेदर डिफरेंट, राइट? सो उसका कोई, लेकिन यहाँ पे कोविड-19 पैंडेमिक के अगर कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो सोशल कंडीशन, जिस तरीके से सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है, वो सारी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन वुमेन्स के लिए नेगेटिव होती चली जा रही है। रिसर्च ऑन वेरियस इंपैक्ट्स ऑन स्लम कम्युनिटीज, स्लम कम्युनिटीज मुंबई के स्लम कम्युनिटीज में जो कि इंडिया का फाइनेंशियल हब है और कोविड-19 हॉटस्पॉट भी है, एशिया का सबसे बड़ा झुग्गी झोपड़ी वाला एरिया है, रिवीलिंग इन वेज इन विच लॉकडाउन एग्जर्बेट्स द मार्जिनलाइजेशन ऑफ वुमेन, स्पेशली पुअर वुमेन। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग जो कि मुंबई के स्लम कॉलोनीज में किया गया, धारावी में किया गया, जो कि मुंबई के, जो कि इंडिया के फाइनेंशियल कैपिटल का एक हिस्सा है और कोविड-19 का हॉटस्पॉट है, उसमें ये सब बातें सामने में आती है कि किस तरीके से लॉकडाउन में वुमेन के कंडीशन को और ज़्यादा पैथेटिक बना दिया है, वो और ज़्यादा मार्जिनलाइज हो गई हैं, और ज़्यादा वल्नरेबल हो गई हैं एक्सप्लॉयटेशन के लिए, स्पेशली वुमेन जो कि गरीब तबके से बिलोंग करती हैं। इवन इन नॉर्मल टाइम वुमेन फेस एक्स्ट्रा बर्डन्स व्हेन इंफ्रास्ट्रक्चर इज इनएडिक्वेट। अकॉर्डिंग टू सीताराम शेलर पानी हक समिति, जो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो वाटर एक्सेसिबिलिटी को प्रमोट करती है, अबाउट 4.5 मिलियन पीपल इन मुंबई लैक एक्सेस टू हाउस होल्ड वाटर कनेक्शन, फोर्सिंग देम टू लाइन अप एट कम्युनिटी वाटर टैप्स। इन हर 2012 अवार्ड विनिंग बुक बिहाइंड द ब्यूटिफुल फॉरएवर्स, कैथरीन बू राइट्स, शी लॉस्ट 2 hours ऑफ हर मॉर्निंग स्टैंडिंग इन द लाइन फॉर वाटर एट अ ड्रिपिंग टैप, द ऑपरेटिव वर्ड इज हियर इज शीज टास्क ऑलमोस्ट ऑलवेज फॉल्स टू वुमेन। आपने कभी भी कोई भी इमेज आपकी जो आई होगी राजस्थान में या कहीं भी, आपने हमेशा ना फिल्मों में बड़ा अच्छा लगता है हमें कृष्णा के साथ में, कृष्ण भगवान की गोपियों को जब हम देखते हैं, या फिर एंशियंट टाइम से लेके आज तक, या फिर गोविंदा की मूवीज़ में होता था या ऋषि कपूर की मूवीज़ में देखने को मिलता था, हमेशा गाँव की जो लड़कियाँ होती थी पानी लेने मटका लेके जाती थी। कभी क्या आपने पुरुषों को देखा है मटके में पानी लाते हुए? क्या कृष्ण भगवान के टाइम में, उस आदिकाल में आपने देखा है गोपियों के अलावा किसी और को पानी लाते हुए? राजस्थान के एकदम रेतीले रेत में आपको चलते हुए कभी कोई आदमी दिखा होगा अपने सर पे मटका लेके? आफरीन आफरीन गाने की शूटिंग में उसमें बहुत सी जगह दिखाता है, उसमें लेडीज साइड से चलती चली जाती हैं, उसमें सर पे मटके का पानी होता है, कभी आपने देखा है? गांव पे जो रोमांटिक मूवीज बनती हैं उसमें हमेशा गांव की लड़कियां ही पानी लाने के लिए जाती हैं। सो व्हाई इज दैट? हमने कभी पुरुषों को पानी लाने जाते हुए क्यों नहीं देखा? क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने सिंस टाइम में मेमोरियल जो है वो औरतों के ऊपर लाती है। डिस्क्रिमिनेट, नोबडी नोज कि ऐसा क्यों है, बट अगर आप किसी भी मूवीज़ में देखेंगे, किसी भी मैगजीन में देखेंगे जहाँ वाटर स्ट्रेस है, वुमेन आर द वन हु आर बियरिंग द ब्रंट ऑफ इट, बिकॉज दे हैव बीन इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ब्रिंग वाटर, नो मैटर हाउ मेनी किलोमीटर्स यू हैव टू ट्रैवल। मैं आपको ये बताने में, इस आर्टिकल में मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आई हैव माई इमेजिनेशन, आई हैव माई विजुअलाइजेशन। आप ज़रा गौर से देखिएगा, छोटे छोटे लड़कियां जो हैं वो सर पे पानी का गैलन लेके आपको दिखते चलते हुए दिख जाएंगी। व्हाई इज दैट? हु गेव दिस कैटेगराइजेशन? किसने किया है कि पानी की जो प्रॉब्लम है वो विमेन्स ही डील करेंगी?
सो हियर जब पानी की प्रॉब्लम होती है सो यहाँ पे एक सोशल इकोनॉमिक कंडीशन के चलते वुमेन इज मच मोर वल्नरेबल. यहाँ पे पुअर एंड नीडी पर्सन बींग सर्व फूड एट डेली कांग्रेस ऑफिस ड्यूरिंग ऑन गोइंग कोविड 19 लॉकडाउन. ये एक रिप्रेजेंटेशनल इमेज है जो आपको दिखाया जा रहा है. आगे अंडर इंडियाज स्ट्रिक्ट कोविड 19 लॉकडाउन हाउस होल्ड वाटर नीड स्वेल्ड ओविंग टू हाई समर टेम्परेचर्स ऑल फैमिली मेंबर्स बींग एट होम एंड द एम्फेसिस ऑन फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग. द रिजल्ट वुमेन आर स्प्रेडिंग मोर टाइम क्यूइंग अप. सम आर ऑल्सो टर्निंग टू एन अंडरग्राउंड वाटर मार्केट व्हिच ऑपरेट्स अंडर द क्लोक ऑफ डार्कनेस. Scheller explained, as the women step out in the wee hours of morning to buy water, they often face sexual and verbal harassment. Look, COVID-19 में जिस तरीके से लॉकडाउन किया गया है वहाँ पे हाउसहोल्ड वाटर की जो ज़रूरतें हैं घर में पानी का खर्चा बढ़ गया है. दूसरी तरफ एम्फेसिस दिया जा रहा है बार बार हैंड वॉश के लिए, उससे भी पानी का खर्चा बढ़ा है. इसका रिजल्ट क्या हुआ है? नाउ औरतों को अब ज़्यादा टाइम तक लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है. बहुत सी औरतें जो हैं वो अंडरग्राउंड वाटर मार्केट के लिए जाती हैं. अंडरग्राउंड वाटर मार्केट का मतलब ये है कि सुबह आके 3 बजे 4 बजे या रात के 12-1-2 बजे एक इलीगली जो टैंकर है थोड़ा सा पैसा देके वो आपके एरिया में आता है और आपका गैलन भर के चला जाता है. इन सारे चीज़ों में औरत को उठना है पानी लाने के लिए और सिंस दे गो इन द वी आर्स बहुत अंधेरा होता है, बहुत वल्नरेबल होती हैं एक्सप्लॉयटेशन के लिए, सेक्शुअल हरासमेंट के लिए एंड वर्बल अब्यूज़ के लिए. आप शायद इस चीज़ पे भरोसा न करें, आपने बहुत से लोग इन्फ्लुएंशियल फैमिली के हों तो आपको ये बड़ा झटका लगेगा, लेकिन अपने घर के आसपास जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं उनमें ज़रा झांक के देखिएगा, उनसे पूछ के देखिएगा पानी का अरेंजमेंट कैसे हो रहा है. दे विल नैरेट यू दिस हॉरिबल स्टोरी. हरासमेंट इज मोस्टली एस्केलेटिंग बिहाइंड क्लोज डोर. लेकिन हरासमेंट सिर्फ आउटसाइड में नहीं है, प्रेडेटर इज सिटिंग इनसाइड. हरासमेंट घर के अंदर भी है, मोस्टली एस्केलेटिंग बिहाइंड क्लोज डोर. अपर्णा जोशी प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ आई कॉल अ मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन कॉल्ड करंट सिचुएशन अ ब्रीविंग पॉट. फ्रस्ट्रेटेड अनएम्प्लॉयड एंड स्ट्रगलिंग टू एक्सेस टोबैको एंड अल्कोहल सेवरल मेन आर अनलोडिंग देयर एंगर थ्रू फिजिकल वर्बल एंड सेक्सुअल असॉल्ट. द सर्ज ऑफ वायलेंस इज अफेक्टिंग मिलियंस ऑफ वुमेन ऑफ ऑल क्लासेस. हरासमेंट जो है क्लोज डोर्स के अंदर भी होता है. कोई जरूरी नहीं कि हरासमेंट के ऊपर के लिए आपको मारा पीटा ही जाए. मेंटल हरासमेंट इज वन अनदर फॉर्म. If somebody abuses you, that's a part of mental harassment. वो आपको hurt करता है, आपके शरीर पे चोट के निशान तो नहीं दिखाई देंगे, but again, you are mentally tortured. इस condition में, lockdown की condition में क्या हुआ है? People are spending more time in their house. Husbands के पास job नहीं है, anger है, resentment है, tobacco available नहीं है, wine available नहीं, alcohol available नहीं है, तो ये गुस्सा कहाँ फट पड़ेगा? Since we the people of India, we the men, हमें control की आदत है. राइट, सो डेफिनेटली हमारा एंगर थ्रू फिजिकल वर्बल और सेक्सुअल असॉल्ट के थ्रू हमारी फीमेल लाइफ पार्टनर और फीमेल मेंबर्स के ऊपर उतर रहा है. आई एम नॉट ब्लेमिंग एवरीवन, देयर आर एक्सेप्शंस, बट हम जो एक जनरलाइज टर्म में बात करें तो कोई इसको पर्सनली ऑफेंस नहीं, बिकॉज आई एम ऑल्सो ह्यूमन बींग. मैं आपको एक जनरलाइज टर्म में बात कर रहा हूँ कि जिस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट ने फ्रस्ट्रेशन को बढ़ा दिया है और लोगों को अपनी रोजमर्रा की चीज़ें एक्सेस करने में भी मुश्किल हो रही है बिकॉज दे डू नॉट हैव मनी, और अगर मनी है भी सो दे आर अनएबल टू गेट एन एक्सेस टू इट. टोबैको अल्कोहल जो है एक तरीके से आपका फेवरेट पास टाइम होता था, आप पीते थे आराम से सो जाते थे. नाउ दीज थिंग्स आर नॉट अवेलेबल. सो आपको हर बात पे आपका जो एंगर अंदर एक ब्रीविंग पॉट की तरह बढ़ रहा है वो फट पड़ रहा है और इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है आपकी फीमेल, आपकी लाइफ, आपकी वाइफ के ऊपर, आपके फैमिली मेम्बर्स के ऊपर आ रहा है इन टर्म्स ऑफ फिजिकल वर्बल एंड सेक्सुअल असॉल्ट. द सर्च ऑफ वायलेंस इज अफेक्टिंग मिलियंस ऑफ वुमेन ऑफ ऑल क्लासेस. और ये सिर्फ गरीब तबके की बात नहीं है, हर क्लास हर सोसाइटी में इस तरीके के क्लैशेस देखने को मिल रहे हैं. नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में है फाइंडिंग क्रिएटिव टैक्टिक्स टू सपोर्ट वुमेन लाइक हाइडिंग फोन नंबर्स फॉर डोमेस्टिक अब्यूज हॉटलाइन इन साइड द फूड राशंस. येट दीज लाउडेबल एफर्ट्स पेल इन कंपेरिजन टू द स्केल ऑफ चैलेंज. द यू एन एफ पी ए वॉन्ट्स दैट द पेंडेमिक कुड रिड्यूस प्रोग्रेस अगेंस्ट जेंडर बेस्ड वायलेंस बाई 1/3. बहुत से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हैं जो औरतों की मदद करने के लिए क्या कह रहे हैं कि जब वो राशन लेने जा रही हैं तो चावल दालों में वो अपने रैपर्स जो है अपने स्लिप लिख के डाल दे रहे हैं ताकि अगर आपके पीछे अगर आपको कोई आपके अगेंस्ट में कोई सेक्शुअल वायलेंस होता है तो आप हमें ज़रूर फ़ोन कीजिएगा. बट इससे सिचुएशन संभलने की नहीं है. और अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एजेंसी की बात करते हैं, उन्होंने वार्न किया है कि पैंडेमिक जो है उन सारे हमने जो भी जो एक जेंडर बेस्ड हमने जो एक प्रोग्रेस अचीव किया है इन टर्म्स ऑफ जेंडर, इसमें इन टर्म्स ऑफ फीमेल एम्प्लॉयमेंट, वो सारा जो अचीवमेंट है वो वाइप आउट हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक.
बिकॉज ऑफ दिस जेंडर बेस्ड वॉयलेंस, क्योंकि फीमेल्स को दे आर नॉट गेटिंग टाइम टू गो फॉर वर्क, गो फॉर जॉब. अगर उनके पास होता भी तो शायद उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती घर के राशन मैनेज करने की, बच्चों को मैनेज करने के लिए, क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं. नाउ वुमेन आर सपोज टू स्पेंड मोर टाइम, दे डू नॉट हैव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, दस दे आर बिकमिंग वल्नरेबल फॉर एक्सप्लॉयटेशन. तो ये एक है, वुमेन वेट फॉर बस आफ्टर गेटिंग अ पास फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन टू गो टू देयर होम इन अ सम स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन व्हीकल ड्यूरिंग द नेशन वाइड लॉकडाउन इन द वेक ऑफ, लुक एट देयर कंडीशन, इतने बड़े बड़े लगेज लेके दे आर जस्ट वेटिंग इन क्यू. COVID-19 इज शिफ्टिंग अदर हाउस होल्ड डायनेमिक्स टू डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट वुमेन बियर लाइक कुकिंग एंड क्लीनिंग हैव बलून्ड. उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कई गुना बढ़ गई हैं. खाना बनाने की जिम्मेदारी, घर को साफ करने की जिम्मेदारी, बच्चे परमानेंटली घर पे रह रहे हैं, हस्बैंड इज परमानेंटली स्टेइंग एट होम, एंड उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कई गुना बढ़ गई हैं. और उसमें भी बुरा क्या, वुमेन इन इंडियन फैमिलीज टेंड टू ईट लास्ट एंड लीस्ट. रिसर्च हैज शोन दैट फाइनेंशियल स्ट्रेन एंड फूड शॉर्टेज अफेक्ट वुमेन्स न्यूट्रिशन मोर देन मेन. क्या आपने अपने घर में नहीं देखा है, मतलब मुझे याद है बचपन में कि हमारे घर में हमारे छोटे भाई बहनों के थाली में अगर कुछ खाना बच जाता था तो मम्मी वो खाना खा लेती थी और वो सबसे बाद में खाना खाती थी. और ये होता है, मैं कोई अजूबा बात नहीं कर रहा हूँ. अपने घर में एक बार झांक के तो देखिए, यू विल फाइंड दिस काइंड ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन. मतलब मुझे याद है मम्मी हमेशा खाना बाद में खाती थी और अगर हम बोलते मम्मी ये खाना नहीं खाया जा रहा है तो वो अपनी थाली में ले लेती थी. और अगर मैल न्यूट्रिशन की बात करें, हंगर की बात करें, एक्सप्लॉयटेशन की बात करें, तो फैमिली में जो फीमेल्स हैं दे आर द वन हु बियर द ब्रंट. द सेम पैटर्न इज विजिबल अक्रॉस डेवलपिंग वर्ल्ड फ्रॉम जिम्बाब्वे टू बांग्लादेश. जिम्बाब्वे से लेकर बांग्लादेश तक हर जगह ये पैटर्न देखने को मिल रहा है जहाँ वुमेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी कुकिंग और क्लीनिंग से लेके हर चीज़ की बढ़ गई है. उसके अलावा सबसे ज़्यादा अगर न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट अगर किसी को करता है तो फीमेल चाइल्ड को, और उससे भी ज़्यादा द सिंगल मदर हाउस होल्ड को. टू मेक मैटर वर्स, द लॉकडाउन हैज कट ऑफ मोस्ट फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सपोर्ट सिस्टम फॉर वुमेन. फॉर्मल और इनफॉर्मल सपोर्ट जितना भी था वो सब कट ऑफ हो चुका है बिकॉज दे आर अनएबल टू गो फॉर जॉब. अगर वो जाना भी चाहते हैं तो जॉब्स आर नॉट अवेलेबल. और ये लो डेवलपिंग कंट्रीज में लो इनकम फैमिलीज जो है ऑफन शेयर वन स्मार्टफोन ओन्ड बाय हस्बैंड. अकॉर्डिंग टू जोशी, वुमेन्स लैक ऑफ डिजिटल एक्सेस इज मेकिंग दे मोर वल्नरेबल फॉर मिस इन्फॉर्मेशन. जो लो इनकम फैमिलीज हैं उसमें जनरली एक फ़ोन होता है, वो भी हस्बैंड के पास होता है. तो लैक ऑफ डिजिटल एक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है वो वुमेन के डेवलपमेंट को और ज़्यादा बढ़ा देता है, जेंडर इनइक्वालिटी को प्रमोट करता है और सेक्सुअल वायलेंस को भी कंट्रीब्यूट करता है. अनइक्वल एक्सेस टू टेक्नोलॉजी विल फ्यूल अदर सब कॉन्सिक्वेंसेज फॉर वुमेन, स्पेशली इन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. एज मेनी ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन स्विच टू ऑनलाइन लर्निंग, गर्ल्स इन कंट्रीज लाइक इंडिया मे लूज आउट गिवन दैट दे आर लेस लाइकली देन बॉयज हैव एक्सेस टू इंटरनेट. एंड द एनालिसिस फोरसी मोर जॉब्स मूविंग ऑनलाइन पोस्ट पैंडेमिक, द डिजिटल डिवाइड मस्ट एग्जैजरेट जॉब मार्केट इन इक्वालिटीज. गाइज, इससे बेहतर आर्टिकल आपको पैंडेमिक के दौरान नहीं लिखा जा सकता था. दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट आर्टिकल विच आई हैव कम अक्रॉस. अनइक्वल एक्सेस टू टेक्नोलॉजी जेंडर को किस तरीके से इम्पैक्ट करता है. राइट टू इंटरनेट को फंडामेंटल राइट बनाने की मुहिम चल रही है. जम्मू कश्मीर में इंटरनेट का लॉकडाउन है, उसका पिटीशन फाइल किया गया सुप्रीम कोर्ट में. सुप्रीम कोर्ट ने वो पिटीशन एंटरटेन करने से मना कर दिया. बट अगेन, हाउ इट इज इंपैक्टिंग, यहां पे आपको आंसर मिल रहा है. अनइक्वल एक्सेस टू टेक्नोलॉजी का कॉन्सिक्वेंसेस जेंडर के लिए कैसा है, स्पेशली एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में. जब आपके पास स्कूल्स नहीं खुले हैं एंड द गर्ल चाइल्ड डजंट हैव एन एक्सेस टू डिजिटल प्लेटफॉर्म, उनका एजुकेशन इम्पैक्ट होने जा रहा है. राइट, हो सकता है उनको बहुत से जॉब अपॉर्चुनिटीज उनके हाथ में न लगे बिकॉज दे डू नॉट हैव एन एक्सेस टू इंटरनेट. उसके अलावा पोस्ट पैंडेमिक COVID-19 के बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज होने वाला है, एवरी एजुकेशनल सिस्टम इज कमिंग ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म. और उस कंडीशन में अगर एक फीमेल को अगर इंटरनेट का एक्सेस नहीं है, फ़ोन का एक्सेस नहीं है, डिजिटल सर्विसेज का एक्सेस नहीं है, दे आर लूजिंग द एज इन कंपेरिजन ऑफ अदर्स. In fact, many aspects of COVID-19 economic fallout are likely to reduce job prospects for women, क्योंकि digital divide में जो digital divide में जो female population है, they are the one who are going to bear the brunt about it. As India eases its lockdown with requirement that businesses operate with fewer employees, trend towards mechanization could accelerate. जिस तरीके से लॉकडाउन बढ़ रहा है, मशीनीकरण का उपयोग बढ़ने वाला है, रोबोटिक्स बढ़ने जा रहा है, ऑटोमेशन बढ़ने जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ने जा रहा है, क्योंकि इंडिया में ये बात पहले से भी चल रही थी. और लॉकडाउन के बाद से जब हमारे पास लेबर शॉर्टेज होंगे, डेफिनेटली इंडस्ट्रीज विल डिपेंड मोर ऑन टेक्नोलॉजी इंस्टेड ऑफ बींग डिपेंडेंट ऑन लेबर फोर्स.
और उसमें भी इसमें इसमें फिर से वुमेन विल बी साइडलाइंड इन टर्म्स ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि इतनी जल्दी वो ट्रेंड नहीं होंगी बिकॉज दे डू नॉट हैव एक्सेस टू रिसोर्सेज, दे डू नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन कॉन्टेंट ईजिली बिकॉज वुमेन आर जनरली रेलीगेटेड टू मेंटेन मीनियल टास्क विद इन प्रोडक्शन प्रोसेस, देयर जॉब्स आर ऑफन फर्स्ट टू गो. किसी भी अगर असेंबली लाइन में देखेंगे, एक्सपोर्ट्स फैक्ट्रीज में देखेंगे, कल कारखानों में देखेंगे, तो वुमेन को मेन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में नहीं रखा जाता है. उनको जनरली जो लोअर एंड पेरिफेरल एक्टिविटीज़ हैं, छोटे मोटे काम हैं, धागा हुआ, सूत कटाई हुआ, बटन लगाना हुआ, कपड़े की स्टिचिंग करनी हुई, फाइनल असेसमेंट करना हुआ, पैकिंग करना हुआ, इन सारी चीज़ों में उनको लगाया जाता है. तो अगर ऑटोमेशन इज गोइंग टू टेक प्लेस, दे आर द फर्स्ट वन टू लूज देयर जॉब एंड एम्प्लॉयमेंट. एंड विद partial lockdown involving reduced public transport, women might find their access to work curtailed given their disproportionate reliance on buses and trains for commuting. जिस तरीके से कोरोना वायरस के लॉकडाउन में ट्रांसपोर्टेशन को कम कर दिया गया है, मूवमेंट को कम कर दिया गया है, तो अगेन इसका असर होने जा रहा है वुमेन की एम्प्लॉयमेंट पे. India already struggles with declining female labor force participation on par with Saudi Arabia 24%. If women employment continues to drop post-COVID, this will only magnify the damage to their position in families and society, given that employment is one of the strongest predictions of women's empowerment, not to mention important for boosting GDP. हमारी कंट्री में सऊदी अरेबिया की तरह पहले से ही फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बहुत कम है सऊदी अरेबिया की तरह, जहाँ सिर्फ 24% फीमेल जो है वो लेबर फोर्स का हिस्सा है. और इसी तरीके से जिस तरीके से COVID-19 पैंडेमिक का कहर बरस रहा है, हम देख सकते हैं कि सबसे इन सारे जॉब लॉसेस के साथ साथ वुमेन की जो पोजीशन है सोसाइटी में, जो फैमिली में है, वो कॉम्प्रोमाइज होने जा रही है. क्योंकि एक वुमेन अगर एम्प्लॉयमेंट है, एक एम्प्लॉयड है, तो वो अपने ज़िंदगी के बहुत से डिसीजन ले सकती है. एंड एक जॉब अपॉर्चुनिटी एक वुमेन एम्पावरमेंट का बहुत बड़ा हिस्सा है. अपार्ट फ्रॉम दैट, बूस्टिंग GDP. What would be a gender sensitive pandemic response look like? एक gender sensitive pandemic response की अगर बात की जाए तो वो कैसा होना चाहिए, मतलब सरकार वो क्या करे जिससे कि pandemic का असर जो है female के ऊपर सिर्फ एक तरफा ना पड़े. It should be a balanced approach. क्या इसकी जो economic slowdown है उसका impact सिर्फ female पे ना पड़े. So वो gender sensitive pandemic response क्या होगा? It begins with a full-throated focus on supporting women who face domestic violence. पहली चीज़, उनको domestic violence से बचाने की ज़रूरत है. A recent court ruling Delhi provides a roadmap, publicizing helplines, relaxing lockdown rules for women to leave home and seek support and sensitizing the police. पुलिस को इस बारे में तत्पर करना होगा, ये पब्लिसाइज करना पड़ेगा कि वुमेन्स की सेक्सुअल ये हेल्पलाइन क्या है. पुलिस को सेंसिटाइज करना पड़ेगा कि सर लॉकडाउन में वुमेन्स के खिलाफ इस तरह के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं. सो अगर वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं इस लॉकडाउन में, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, सेव देम फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, गिव देम एक्सेस टू डिजिटल यू नो प्लेटफॉर्म. इंडिया ऑलरेडी स्ट्रगल विद डिक्लाइनिंग फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, ये दो बार रिपीट हो गया है. सो गाइज, दिस इज, मुझे लगता है दिस वॉज वन ऑफ द फाइनेस्ट आर्टिकल जो मेरे सामने आया था. इसमें एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा इस वाले में और सेक्सुअल वर्कर्स वाले में, जो कि आपको ये बताएगा कि किस तरीके से जेंडर वॉलिंग, किस तरीके से लॉकडाउन जो है वो जेंडर वाइज हमें इम्पैक्ट कर रहा है. इजंट इट अ गुड आर्टिकल? आपको बहुत मुझे पढ़ के बड़ी खुशी हो रही है इस आर्टिकल को. ओके फाइन, सच अ नाइस आर्टिकल. ये बताने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी आपके एम्पावरमेंट का हिस्सा है, किस तरीके से सोशल डिस्क्रिमिनेशन आपकी जॉब कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको वो गुरूर देने के लिए, आपको वो यू नो इंडिपेंडेंस देने के लिए, आपको वो सस्टेनेबिलिटी देने के लिए, किस तरीके से जेंडर वायलेंस को, किस तरीके से डोमेस्टिक वायलेंस को लीगलाइज किया, वैलिडेट किया जाता है. राइट, इंसान का, पति का गुस्सा हर समय वाइफ के ऊपर बरसने के लिए तैयार रहता है, एंड वुमेन एक्सेप्ट इट एज देयर फेट. सो ये आर्टिकल बहुत ही दमदार आर्टिकल था, बहुत ही पोलाइट वर्ड्स में. मतलब मुझे क्या लगता है कि आज के तीनों आर्टिकल मुझे पर्सनली बहुत पसंद आए. उसमें रेटाफिकेशन कम था, समझने की ज़रूरत ज़्यादा थी. इस आर्टिकल को आप पढ़ के देख सकते हैं, ये ऐड किया हुआ है, ठीक है. इसके अलावा आप अगर देखें तो मैपिंग में नहीं करा पाए. ये आर्टिकल बहुत खूबसूरत मुझे लगा, दिस आर्टिकल, क्योंकि इसमें आपको बहुत अच्छा ओपिनियन बैलेंस करने का मौका मिलेगा. उसके अलावा आपका ये आर्टिकल जो है इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें बहुत से बच्चों ने बहुत अच्छा वर्क किया. उसके अलावा ये आर्टिकल आप देखेगा, दिस इज़ हाउ ट्रेजेडी लुक्स लाइक, फेस ऑफ अ ट्रेजेडी. मतलब इसको पढ़ के, इस इमेज को आज मैं अपने न्यूज़ एनालिसिस में लेने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि इसकी स्टोरी पढ़ते पढ़ते आई ब्रोक डाउन मेनी टाइम्स. आई कम्प्लीटली ब्रोक डाउन, आई वॉज शैटर्ड आफ्टर रीडिंग दिस स्टोरी ऑफ राम पुकार पंडित. और बेगूसराय की कहानी है ये, और ये एक कहानी नहीं है, ऐसे बहुत सी कहानियाँ हैं. और जब इंसान पुलिस को बताता है कि मेरे बेटे को देखने जाना था, वो मर जाएगा, और मर जाता है वो बच्चा,
द पुलिस वाला कहता है तेरे जाने से वो जिंदा हो जाएगा. इट वॉज अ ब्रूटल एंड शैटरिंग स्टेटमेंट. सो ये इमेज बड़ी बहुत करेज चाहिए था मुझे. दिस वन इज अनदर आर्टिकल. और द हिंदू की एक बात बताओ, द हिंदू न्यूज़पेपर अगर द हिंदू है तो उसका मेन रीज़न ये है कि अगर आप करेज की बात करें तो यस, द हिंदू इज़ वन न्यूज़पेपर हु हैज़ द करेज एंड स्पाइन टू स्टैंड टॉल इन फ्रंट ऑफ एनी गवर्नमेंट एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस न्यूज़पेपर. सो इसीलिए द हिंदू है और हिंदू रहेगा बिकॉज दे हैव द करेज टू शो वॉट इज रियालिटी. वो किसी भी चीज़ को मिंस नहीं करते. ये बहुत ही ब्रूटल फोटो है, ठीक है, बहुत ही ग्रिम रियालिटीज को दिखाता हुए ओरिजिनल फोटोज हैं. उसके बाद से ये बच्चा मर जाता है बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन एंड दिस मैन लूजेस हिज सन. अब ये बेगूसराय पहुंच चुका है थैंक्स टू दैट लेडी जिसने स्पेशल रिजर्वेशन कराया और खाने के लिए इनको पैसे दिए. बट स्टिल दिस मैन इज लिविंग इन बेगूसराय आउटर एरियाज में ड्यू टू इन्फेक्शन. और ये अपने घर वालों में अभी भी अपने बच्चों को तो देख ही नहीं पाए. सो दीज आर द न्यूज एंड यस प्लीज डू नॉट फॉरगेट माई कुंग फू पांडा एंड लुक एट द एक्सप्रेशन मैन. स्टॉप विशफुल थिंकिंग, लेट्स गेट इन टू एक्शन. और इस तरीके से ये याद रखेगा, वन मैन विद कन्विक्शन विल ओवरवेल्म 100 हू हैव ओनली ओपिनियंस. अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, क्योंकि आगे चल के गोइंग फॉरवर्ड जिस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ रही हैं, यू नो, जिस तरीके से एजुकेशन सिस्टम ओवरहॉल हो रहा है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम एजुकेटर्स के ऊपर भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज आने वाली हैं बिकॉज वी आर ऑलरेडी कॉन्ट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स नेशन बिल्डिंग. आपके कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा, कम्युनिकेट कीजिएगा. आई विल आंसर ऑल योर क्वेश्चन कि आपको अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली दिस इज माई परफॉर्मेंस इवेल्युएशन पैरामीटर. सो ये रहा आपका आज का सेशन. आई होप यू वुड लाइक इट. प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप इफ यू लाइक द सेशन. अगर आपके कुछ इनपुट्स हैं तो मैं ज़रूर उसको आंसर करना चाहूँगा. नेहा मदेशिया, इफ़ शी हैज़ लो, नेहा मदेशिया की बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि इफ़ शी हैज़ लो न्यूट्रिशन, बच्चे ये न्यूट्रिनोज नहीं है न्यूट्रिशन है, देन हाउ शी हैज़ मोर इम्यूनिटी देन मैन. इम्यूनिटी, आपका क्वेश्चन बहुत वैलिड है, इसीलिए मैंने बोला कि नोबडी नोज एग्जैक्टली दैट कि एक फीमेल चाइल्ड को इम्यूनिटी एक मेल चाइल्ड के कंपैरिजन में ज़्यादा कैसे मिलता है. नोबडी नोज अबाउट इट, बट ये रिसर्च बहुत दिनों से चला आ रहा है दैट फीमेल चाइल्ड इज मच मोर रिजिलियंट देन अ मेल चाइल्ड. उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस हैं. सर क्लास टाइम 1 बजे का क्लास टाइम है, भूलिएगा मत, 1 बजे का क्लास टाइम है, 1 बजे का क्लास टाइम है, प्लीज डू नॉट फॉरगेट दैट. इमोशनल नहीं होने का, इमोशनल अपने अपने न्यूज़पेपर को देखिए, इमोशनल नहीं होने का. यू हैव टू डू अ बैलेंस्ड ओपिनियन. सेक्सुअल वर्कर का जो है फीमेल का जो जन यू नो मार्जिनलाइजेशन वाला आर्टिकल है उसमें आपको बैलेंस्ड होने की ज़रूरत है. अगर इमोशनल हुए तो आपका पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो टिल्ट हो जाएगा और आप उसका आंसर बहुत अच्छे से नहीं दे पाएंगे. सो यू हैव टू बी बैलेंस्ड इन योर ओपिनियन. लेट मी से थैंक्स टू ऑल द पीपल, नीलम कमलवंशी, शीनी रियो, पवनी नामदार, रवि कुमार, प्रीति परमार, नेहा मदेशिया, यू ऑल आर सुपर स्टार. रवि कुमार तो हमेशा चैंपियन है. नेहा मदेशिया, आई एम इम्प्रेस्ड बाय दिस क्वेश्चन जो आपने भी न्यूट्रिशन से रिलेटेड पूछा हुआ है. रोहित अहमद, थैंक यू सो मच फॉर द सेकंड डे इन माय क्लास. सुनील यादव, जय श्री राधे कृष्णा, अच्छा लगा, आप एक नए मेहमान हैं हमारे ग्रुप में. श्रद्धा गुप्ता, थैंक यू सो मच, आपके क्वेश्चंस बहुत वैलिड हैं और आपने आंसर बहुत अच्छा किया. उसके अलावा प्रीति परमार, वंस अगेन श्रद्धा गुप्ता, जो भी हमारे ग्रुप में लोग हैं. गाइस, आपको नहीं लगता क्या, आपको अभी भी फीलिंग नहीं होती इस बात की कि आपने बहुत से एवरेज कैंडिडेट्स को पीछे छोड़ के आप आगे बढ़ चुके हैं? डोंट यू थिंक दिस, व्हाट इज दैट ईपीएफ, श्रद्धा गुप्ता, आपने ईपीएफ 2-3 बार पूछा है, व्हाट इज दैट श्रद्धा गुप्ता, आपने ईपीएफ 2 बार पूछा है, 3 बार पूछा है, ये कौन से आर्टिकल में मैंने यूज किया? प्लीज राइट टू मी, आई विल आंसर योर क्वेश्चन श्रद्धा गुप्ता, डेफिनेटली, क्योंकि आपका एजुकेटर आपके क्वेश्चंस को भूलता नहीं है, आपके नाम को नहीं भूलता है, आपके आंसर को नहीं भूलता है. आज की जो सुपरस्टार रही हैं श्रद्धा गुप्ता है, शिनीरियो हैं, अभिषेक दुबे ने आज कम पार्टिसिपेशन किया है. थैंक यू सो मच एवरी वन, गॉड ब्लेस यू, स्टे स्ट्रॉन्गर, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है स्ट्रॉन्ग बनने के अलावा. स्टे सेफ, स्टे स्ट्रॉन्गर, बिकॉज डेड मैन डू नॉट राइट हिस्ट्री. मुर्दा लोग इतिहास नहीं लिखते, वो कब्र में पड़े रहते हैं. और वो शेर है ना, जो उसूलों पे बात आए तो टकराना ज़रूरी है, तो जिंदा हो तो जिंदा नजर आना ज़रूरी है. यू हैव टू बी स्ट्रॉन्गर कम वॉट मे, यू हैव नो अदर ऑप्शन. गॉड ब्लेस यू, आई विल गेट बैक टू यू एट 1 PM.
एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के चैप्टर को लेके। बाय बाय, टेक केयर। आप मुझे देख नहीं सकते बट मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है एंड आई होप दैट मेक्स द एंटायर डिफरेंस। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय, टेक केयर। 1 बजे मिलते हैं। Thank you.